सुंदर सी लड़की अपने सुंदर सुंदर हाथों से उस कोक टीन को कचरे के डिब्बे में डाल दे तो कचरे का डिब्बा कितना खुश होगा। वो सब छोड़कर ऐसे बीच सड़क पर फेंक रही हो, ये अच्छी बात है। सॉरी, वेरी सॉरी, आपसे मैं कुछ भी सड़क पर नहीं फेंकूंगी। सॉरी। क्यों जी, पहले तो झगड़े का मूड था, अब सॉरी कह रही हो। आप सीधी तरह कहते कि कोक टीन सड़क पर क्यों फेंका तो पक्का झगड़ा करती मैं, लेकिन सुंदर लड़की ने क्यों नहीं फेंका कहा ना, बस वही गुस्सा ही नहीं आया। वैसे आप मैं हूँ कुमार। इस तरह से सड़क पर कोई कुछ भी फेंक देता है तो उसे उठाकर उन्हें वापस देना यही मेरा काम है। कुछ लोग तो ले लेते हैं लेकिन कुछ लोग वापस मेरे मुंह पे मार देते हैं। मार देते हैं? तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? हमारे बनाए रूल्स को अगर हम खुद ही फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपने अपना नाम नहीं बताया। प्रिया। नाइस। वैसे इतनी देर रात आप इस सड़क पर क्या कर रही हो? एक फंक्शन से आ रही थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ कार खराब हो गई, सो फ्रेंड को ही फोन कर रही थी। हॉस्टल यही पास में ही है। हॉस्टल? तो आपके मम्मी पापा? यूएस में हैं। मुझे आईएएस पढ़ने की इच्छा है इसलिए हॉस्टल में रहकर कोचिंग क्लास ले रही हूँ। अरे वाह, होने वाली कलेक्टर हो। क्या हुआ, थक गए क्या? ए, अगर जवानी में ज्यादा मेहनत की होती तो आज दौड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम अपना देखो, तुम्हारा भी वही हाल है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो दौड़ते हैं। कहाँ दौड़े? बस दौड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं, अब तो वो भी नहीं हो पा रहा। चलो चलो बैठते हैं। पता है, अगर तुम साथ नहीं आते तो जॉगिंग करना बोरिंग हो जाता। मैं क्या जॉगिंग में तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ? मेरी कंपनी के लाइसेंस के लिए सीएम का साइन दिलवाओगे कहा था ना, बस उसी काम के लिए आपके पास आना पड़ रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो? ऊटी में गेस्ट हाउस मांगा आपने, मैंने दिया ना। फॉरन अकाउंट में डॉलर्स डालने को बोला, डाला ना। इसके अलावा आपने अपने बेटे को बिनामी बिरला कंपनी में पार्टनर बनाने को बोला, किया ना। मैंने आपकी सारी बातें मानी। मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, सीएम का साइन ही करवाने को कहा था, वो भी आज तक नहीं हुआ। ऐसे कह रहे हो जैसे ये साइन किसी एलकेजी के बच्चे के एडमिशन के लिए है। तुम जिस साइन की बात कर रहे हो उसकी कीमत हजारों करोड़ है। तुम तो सीएम को जानते ही हो। सर। वो ना झुकते हैं और ना झुकने देते हैं। एक मिनट, बस थोड़ा सब्र करो। सर, डीजीपी साहब का फोन है। इन्होंने इस समय क्यों फोन किया है? हाँ सर, सीएम को। अंदर कौन कौन है? चीफ सेक्रेटरी अंदर वेट कर रहे हैं सर। मीडिया इज वेटिंग आउट सर। उनको बाद में देख लेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये कैसे हो गया? सीएम को किडनैप कर लिया, लेकिन क्यों किडनैप किया और उनकी डिमांड क्या, उन्हें रखा कहाँ है? सीएम एक वृद्धाश्रम के ओपनिंग के लिए गए थे सर। हमारे प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक अनप्लान प्रोग्राम था, उनको वहीं किडनैप किया गया। इससे ज्यादा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। डीजीपी सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं सर। सर, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को तुरंत अपॉइंट करना होगा। हाँ हाँ करेक्ट। अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सतीश कुमार है ना, उन्हें अपॉइंट कीजिए। सर, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है सर, इसलिए मैंने और डीजीपी ने तिरुनेलवेली के कमिश्नर चंदन पांडे को फिक्स किया है। चंदन पांडे? मैंने सुना है वो थोड़ा टेढ़ा इंसान है। सर, आप चाहे किसी को भी अपॉइंट कीजिए,
लेकिन अगर मेरे नेता को कुछ हो गया तो मैं और आप जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं सर, ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक चंदन पांडे बेस्ट ऑफिसर है। तो वो बेस्ट ऑफिसर है, क्या बोलूं सर। ऑफिशियली ये न्यूज मीडिया को आप देंगे या हम दे दें? सर सर, मुख्यमंत्री को किडनैप किया गया, ये बात सच है क्या? यस सच में मुख्यमंत्री किडनैप हो गए सर। सर प्लीज बताइए सर। प्लीज प्लीज, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का किडनैप हुआ, ये बात सच है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। कमिश्नर के साथ एक स्पेशल फोर्स नियुक्त की गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जिसने भी अपहरण किया है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनके खातिर जान देने के लिए करोड़ों लोग तैयार खड़े हैं। मुख्यमंत्री के अगवा होने की खबर सुनकर लाखों की जनता धरने पर बैठ गई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग आक्रोश में आ गए हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो जनता को काबू में लाएं। इस घटना से रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर हुआ है। प्रशासन ने काबू पाने के लिए कर्फ्यू जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का किडनैप करने के पीछे किसका हाथ है, उनकी क्या मंशा है, ये बात अभी तक पता नहीं चली है। पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। मैं इस वक्त वहीं खड़ी हूँ, गांधीनगर के वृद्धाश्रम में, जहाँ से मुख्यमंत्री जी योगेश्वर का किडनैप हुआ है। सीएम सुबह इसी की ओपनिंग करने यहाँ आए हुए थे। उन्हें अंदर से कैसे किडनैप किया गया, इस बारे में कोई पता नहीं है। पुलिस को इस बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एक सीमा बनाई गई है, उसके अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ ही मीडिया वालों को अंदर जाने के लिए अलाउ किया गया है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। शांत हो जाइए आप लोग। सर, उन्होंने बिल्डिंग के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और साथ में एक व्हाइट लाइन बना के उसे क्रॉस न करने की हिदायत दे रहे हैं। बिल्डिंग के फ्रंट साइड में जो स्पीकर लगा है उससे बात कर रहे हैं सर। अवेलेबल टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल किया है कमिश्नर साहब। और उस तरफ देखिए सर, उस पेड़ पे एक माइक भी लटकाया हुआ है। आई थिंक वो हमारी बातें भी सुन रहे हैं सर। एक गर्मा गर्म चाय मिलेगी क्या सर? रिलैक्स, तुम घबराओ मत, आई विल टेक केयर। उस पुलिस ऑफिसर को बुलाओ। सीएसओ पुष्पेंद्र कुमार। सर क्या हुआ? सॉरी सर, बैड लक, हमारी प्रेजेंस पे भी ये काम हो गया। बैड लक? गधे कहीं के, मतलब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, अपने किस्मत पर भरोसा करके काम करते हो। इररिस्पॉन्सिबल इडियट। क्या हुआ था वो बताओ। सीएम साहब की इनॉग्रेशन पे आने की बात हमें आज खुद सुबह ही पता चली सर। उन्होंने मैडम के घर जाते समय अचानक गाड़ी इस तरफ मोड़ने के लिए कहा, इसलिए बिल्डिंग को स्क्रीन चेक करने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाया सर। सुबह जब सीएम साहब इनॉग्रेशन पे आए थे तब। लाओ मुझे तो। आइए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सब कुछ अरेंज हो गया सर, इस तरफ आइए। वेलकम सर। नमस्ते। सेकंड फ्लोर है ना? हाँ सर। दिनू तुम ऊपर आओ। ओके सर। हमने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ लिफ्ट थी नहीं सर। समथिंग रॉन्ग, जल्दी नीचे आओ। सीएम ने जो लिफ्ट यूज की थी उसे ओपन करके देखा तो वहाँ लिफ्ट थी ही नहीं। स्पॉट पर हैवी शॉक देने वाली स्टेन गन मिली थी बस। सीएम साहब का किडनैप करने के लिए उस लिफ्ट को बनाया गया था। उसके पीछे की तरफ एक स्लाइडर डोर सेट किया हुआ था, उस रास्ते से ही सीएम साहब का किडनैप किया गया था सर। मिनिस्टर का बेटा वहां पर अकेले बेहोश पड़ा मिला, वो एक प्लान ट्रैप था, ये बात बाद में समझ में आई। आगे क्या करना है उसका फैसला करने से पहले ही स्पीकर पर किसी ने वार्निंग दे दी कि सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। सीएम साहब अंदर थे इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया सर। पहले डीजीपी साहब को इन्फॉर्म किया फिर हम बाहर निकले। सर मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से बंदूक चलने की आवाज आने लगी। क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तो वहाँ डर के मारे भाग गया। उसके बाद आपने कुछ नहीं देखा? नहीं क्या? मैंने बहुत सारे लोगों को बंदूक के साथ। सीएम साहब के रहने वाले सीएस की कहानी सुना रहा है पीछे की, और सड़क पर चलने वाला ये नशेबाज ऐसी बातें कर रहा है जैसे इंसिडेंट इसने आंखों से ही देखा हो। उसने मुझे बताया कि ये हो क्या रहा है। सीएम साहब का किडनैप हुआ है। सीएम के किडनैप होने के बाद से मीडिया के पास कोई अपडेट नहीं है सर, इसलिए मीडिया वाले अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट करके दिखा रहे हैं सर। अभी भी हमें कुछ खास बात पता नहीं चली है। सर सीएम को 15-20 हथियारों से लेस लोगों ने किडनैप किया है, क्या ये सच है सर? अरे बाप रे, ऐसा क्या? Is it true? हमने सुना है कि 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं सर, क्या ये सच है? आपसे मांगा था क्या? सर आप जोक कर रहे हैं, सीरियसली बताइए ना प्लीज। आपके इस तरह के सवालों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। एक विटनेस मिला है, इंक्वायरी कर रहे हैं, एंड आई विल कम बैक टू यू। एंड वन मोर थिंग, ये बेकार की फॉल्स न्यूज देकर लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। ऑलराइट, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। कमिश्नर साहब ने बताया है कि सीएम को किडनैप किया गया है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सीएम साहब से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे। अभी अभी पता चला है कि सीएम साहब को छोड़ने के लिए।
चुनाव में हारने की वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। योगेश्वर जी की राजनीतिक अनुभव को देखकर लोगों के फैसले में बदलाव आया और उसके बाद हुए चुनाव में उन्हें जनता का पूरा सहयोग मिला, जिससे योगेश्वर जी भारी वोटों से जीते और उनकी सरकार बहुमत में आई। तुम्हें पता तुमने क्या किया है? एक स्टेट के सीएम का किडनैप किया है, बच नहीं पाओगे। क्या चाहिए तुम्हें? तिनका तिनका इकट्ठा करके जैसे पक्षी अपना घर बनाते हैं, अपनी आंखों में सपने सजाकर, दर दर की ठोकरें खाकर, तिनका तिनका करके घर बनाते हैं। एक दिन अचानक कोई वो घोंसला तोड़ देता है और बाकी सब लोग उसे बस देखते खड़े रहते हैं। मैं खड़ा देखता रहूंगा सोचा था क्या? सभी को मेरा नमस्ते। इस समय ये कविता मैंने आपको क्यों सुनाई ये बात आगे पता चल जाएगी। सीएम मेरे साथ ही है, सेफ है, उनसे मुझे बहुत से हिसाब लेने हैं। हेलो, अच्छी कविता थी। सुनो, बहुत दिन हो गए थे। तुम कौन हो, किस ग्रुप से हो, तुम्हारी क्या डिमांड है? इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहले ये बताओ कि सीएम जिंदा है, ये मुझे जानना है। आई एम पॉपुलरली नोन एज कमिश्नर ऑफ तिरुनेलवेली 97 बैच। सीएम मुझे जानते हैं? उन्हें मेरा नाम बता देना, आगे की बात बाद में करेंगे। मुझे किडनैप करके अब खुद फंस गया ना? कमिश्नर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। बोलो ना। गेट द माइक हियर। चंदन पांडे, मैं सीएम बोल रहा हूँ। थैंक यू सीएम सर। थैंक यू वेरी मच सीएम सर। कमिश्नर सर, अब तो ठीक है ना? तुम्हारी डिमांड क्या है? सीएम को अगवा क्यों कर रखा है तुमने? मैंने सीएम को अगवा नहीं किया है। वैसे भी अपने सीएम को कोई अगवा नहीं कर सकता। मैंने जाल फेंका और इंतजार किया, ये खुद ही चले आए और अब मेरे गेस्ट बनकर बैठे हैं। मैंने किसी के कहने पर नहीं किया, मैंने खुद ही अपनी इच्छा से किया। इसके पीछे कोई और नहीं है। इंक्वायरी के नाम पर किसी को भी टॉर्चर मत करना। वन मोर थिंग कमिश्नर, मैं अकेला हूं समझकर सीएम को बचाने की कोशिश भी की ना, तो मेरे पास जो पिस्तौल है उससे इन्हें मारकर गेम फिनिश कर दूंगा। ओके, तुमने जैसा कहा मैं मान लेता हूँ। तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ। जेल के किसी मुजरिम को बाहर छोड़ना है क्या, या फिर करोड़ों रुपए चाहिए, हीरोज में या डॉलर्स में? कमिश्नर सर, रिस्क मैंने उठाया है और डिमांड आप बता रहे हैं, गलत बात है सर। मेरी डिमांड्स क्या हैं टाइम आने पर मैं खुद ही बताऊंगा, वेट कीजिए। वेट करना है, चाय के लिए भी वेट करना है, डिमांड के लिए भी वेट करना है। किडनैप करने वाला अकेला है, ये बात किडनैपर ने खुद बताई है। समर्थकों ने राज्य के कई जगहों पर पुतला फूंक कर अपना आक्रोश दिखाया। ये घटना पूरे राज्य में बहुत ही हिंसक रूप धारण कर रही है। भीड़ को काबू में लाना बहुत ही मुश्किल का काम लग रहा है। भीड़ वाली जगहों पे हंगामा होने की वजह से कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ऑफिस और दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं। लोगों के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया है। जनता के लिए दवाओं की दुकान बंद होने की वजह से रोगियों तक दवा नहीं पहुंच पा रही है। हर क्राइम के पीछे कोई वजह होती है, चाहे वो पैसे हो या पोस्ट हो। तुम्हारी परेशानी क्या है बोलो? पूरा राज्य शॉक्ड है। वो पूछ रहे हैं डिमांड क्या है, तो टाइम आने पर बताऊंगा कह रहे हो। मेरे 5 मिनट की वैल्यू क्या है जानते हो? अच्छी तरह जानता हूं सर। इसीलिए छोटी सी पिस्तौल रखकर सीएम को मार देने की धमकी दे रहे हो? सर, पिस्तौल सीएम या पीएम को नहीं जानती ना, गोली मारो तो बस ऊपर ही जाना है। क्या हुआ सर, डर गए क्या? 16 साल की उम्र में मौत को सामने से देखा था मैंने। तुम गोली मार दोगे इस बात से डर कर नहीं बैठा हूं। करोड़ों जनता और जिस पार्टी को मैंने अब तक संभाल कर रखा है, कहीं वो लोग अनाथ ना हो जाए इसलिए चुप हूं। उसका नाम डर नहीं जिम्मेदारी है।
मुझे गोली मार कर अगर तुम उनके हाथ लग गए तो तुम्हारा क्या होगा पता है? सर, आपको मारने के अगले सेकंड ही मैं खुद को भी, उसके बाद क्या होगा उसे मुझे क्या करना है? मिस्टर रघुनाथ जी, हाउ दिस सोर्स कम इनसाइड? ये सब पार्टी पक्ष के नेता है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं उन्हें अभी यहाँ से हटाता हूँ। सीएम को तुम इन्हें क्लियर करोगे तो ये सड़क पर जाकर बैठ जाएंगे, बहुत भीड़ जम जाएगी, अननेसेसरी टेंशन। एक काम करो, उन्हें उस कोने में बैठा दो। सीएम को छोड़ दो। मंत्री जी हमारे सम्मान का दुपट्टा है, मैं पुलिस को चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर उनसे नहीं होता है तो मैं स्वयं अंदर जाकर अपने नेताजी को छुड़ा कर यहाँ लेकर आऊंगा। नमस्ते सर, लेकिन जो भी हो पुलिस प्रशासन पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, इसलिए वो भी हमारी इज्जत करते हैं। लोकतंत्र के इस राज्य में कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है, इसलिए हम यहीं रुककर उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर कभी घर पर चाय पानी के लिए जरूर आइएगा। आउट। ए, चलो। मुख्यमंत्री जी के रक्षा अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। कमिश्नर चंदन पांडे। मिस्टर चंदन पांडे, सर फोर्स को अंदर भेजकर सीएम को बचाया नहीं जा सकता है क्या? उनसे बातचीत क्या करने वाले हो? सर इस तरह के सिचुएशन में कब कहां क्या करना है ये सब मैं पढ़कर ही आया हूं सर। अच्छा, उनके साथ क्या बातचीत करनी ये पढ़कर आए हो? प्लीज एक बार सीएम साहब बाहर आ जाएं, फिर बताता हूं तूने क्या पढ़ाई की। सर मिनिस्टर के बेटे को होश आ गया है। हाँ तो बताओ, तुम बाला हो ना? हाँ जी सर। तुम्हें क्या क्या पता है जरा बताओ। मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। ये क्या मिस्टर रघुनाथ, इसे तो कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। थैंक यू सर। ये तो इतना मारूंगा, कहां गया? मत सर, निकल डंडा। मैं मिनिस्ट्री का बेटा हूं सर, इससे मारूंगा तुझे। मैं मनोहर का बेटा हूं सर। रास मार मत, मिनिस्टर का बेटा है। तुम्हें इसीलिए नहीं मारा कि तुम मिनिस्टर के बेटे हो, तुम्हारे पापा अच्छे इंसान है। ठीक है, जो हुआ वो बता दो। सर सुबह अंकल आए थे सर। क्या अंकल? कौन तुम्हारे चाचा जी? सीएम। सीएम अब बोलो। सुबह सीएम सर आए थे ना सर। बापरे, लगता है बिजली चली गई, जनरेटर होगा सर। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी अंकल। ये अचानक आना हुआ ना, तो ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, वरना बिजली नहीं। कुछ बिजली का झटका सा लगा मुझे, बस इतना ही याद है मुझे, और फिर सिक्योरिटी वाले उठाकर मुझे यहाँ ले आए। ठीक है, कौन था वो? मुझे नहीं पता सर। कौन है ये पता ही नहीं, लेकिन उसने कहा कि आप सीएम को यहाँ लेकर आए हैं, है ना? नाम क्या है ये बताओ? कुमार है सर। कितने दिनों से जानते हो? कुछ ही दिनों से। चलो फोन नंबर बताओ उसका। सर उसके पास फोन ही नहीं है। क्या कहा? फोन नहीं है। तुझे मैं क्या उल्लू दिखता हूँ? मैं कैसे कहूँ? उसे कैसे जानते हो? एक रात में मूवी देखकर कार से घर जा रहा था सर। ए, बीचों बीच कैसे आ गया? हा? हा? तेरी तो। तूने सिग्नल पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी बे? अबे तू इसलिए मुझे पकड़ने आया? मतलब तू मुझसे फाइन लेने आया है क्या? मैं भला फाइन क्यों लूंगा, फाइन तो पुलिस वाले लेते हैं ना। तो तू पुलिस वाला नहीं है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मिनिस्टर का बेटा हूँ, समझा ना? अबे मिनिस्टर का बेटा? अबे तू कौन है? मिनिस्टर का बेटा है तो गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। मिनिस्टर के बेटे को कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है पता है क्या? सर आप मुझे मारने इतनी बड़ी गैंग लेकर आए हैं, गलती होगी सर, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा।
और मुझे क्यों पीटना चाहते थे? तुझे पीटने नहीं आए थे, मारने आए थे। मारने के लिए? क्यों? तू तो मिनिस्टर का बेटा है ना, कुछ तो गड़बड़ी की होगी, या फिर हो सकता है तेरी पापा की तरफ से कोई रिवेंज होगा। ओह, तो मेरे बाप की ईमानदारी मुझे मरवा सकती है भाई? बाइक तुम्हारी है क्या? यही है सर। सुसु करने गया था तो कोई गाड़ी उठाकर चला गया था। तुम बाइक चोरी करके आए? वो क्या है, सेवा करने की अगर सोच लो तो क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता। अब से रोड पर सुसु मत करना, ठीक है सर? वरना समझ गया ना? ठीक है, चल निकल। लेकिन ब्रो, इतनी सेवा मत करो कि किसी के बैंड बच जाए। मेरी कार का आगे का और पीछे का दोनों कांच फूट गया। लगता है अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है ब्रो, पर आपने मेरी जान बचाई है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो पहले कार को मैकेनिक के पास लेकर चलते हैं। कार देख लो। कांच के लिए कह रहे हैं ना सर? हाँ। आप अंदर बैठिए, मैं इसे देख लेता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मेरे मम्मी और पापा नहीं है भाई, फ्री बर्ड। फ्री बर्ड मतलब अनाथ हो? सोलो। ब्रदर, जब से तुमने मेरी जान बचाई है ना, तब से तुम सोलो नहीं रहे हो। अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, राजनेता का बेटा हूँ ब्रदर। मैं अपनी जबान पर कायम रहता हूँ। सर चाय। ये क्या, एक ही चाय लाए? जाकर दूसरी चाय ले आओ। जाओ ना। हाँ? क्या हो गया इन्हें? ये लो ब्रदर, पियो। नहीं नहीं नहीं, तुम पियो। अरे पियो ना, दूसरी आ जाएगी। बकवास बनी है एकदम। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ रहते हो, मैं छोड़ दूंगा। घर है ही नहीं मेरा, सेंट्रल स्टेशन जाना है। क्यों ब्रदर, कहीं जा रहे हो क्या? मैं वहीं पर तो सोता हूँ। क्या भाई, एक के ऊपर एक झटके दे रहे हो। पेरेंट्स के बारे में पूछा तो कहा कि अनाथ हो, ऊपर से कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन में रहते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रदर। वो क्या है ना, मेरे जैसे कई लोगों के लिए रेलवे स्टेशन ही घर होता है। देखो, मैं उन सभी लोगों की तो मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपकी मदद तो करूंगा ही। मैं आपको गेस्ट हाउस ले जाऊंगा। नहीं नहीं, देखो, गाड़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे, फ्रेश होंगे और ऐश करेंगे। ये सब कब तक चलेगा ब्रो? रेलवे स्टेशन पर सोना, बेकार में दूसरे लोगों की सेवा करते रहना, लाइफ में सेटल होने के बारे में सोचा है कि नहीं? गांधीनगर में एक वृद्धाश्रम है। हाँ पता है। अगर 3-4 करोड़ मिल जाए तो बढ़िया चलने लगेगा। 3-4 करोड़ रुपए ब्रो, कहाँ से लाओगे तुम? अरे वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अगर सीएम आकर उस वृद्धाश्रम का उद्घाटन कर देंगे तो ऑटोमेटिक फंड्स रेज होने लगेंगे। सीएम? यू मीन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? अपने ही मुख्यमंत्री हैं। क्यों भाई, तुम्हारे पापा उन्हीं की पार्टी से है ना? हाँ है तो। तब तो पक्का सीएम के अच्छे दोस्त होंगे ही। भाई मैं तो डर रहा था कि अपने सपने पूरे किए बिना कहीं मैं मर न जाऊं, लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया। अरे नहीं नहीं, रुको 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 ब्रो, तुम अपना सपना अभी बदल दो।
मुझे लगा कि तुम्हारा कोई छोटे लेवल का सपना होगा। सीएम को लाने की बात कर रहे हो, चांस ही नहीं है यार। चुपचाप अपनी बियर खत्म करो और सो जाओ। फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट, ये बस डायलॉग के लिए ही होते हैं। अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या यार, जब प्रिया बुला रही थी तो मुझे क्यों रोका? मैंने नहीं रोका होता तो तुम नीचे गिर जाते और फिर ऊपर चले जाते ना। ब्रो उधर जाओ। अब मुझे बताओ ब्रो, तुमको किसने फ्री में बुलाया था? फ्री नहीं भाई, नहीं, प्रिया लव। क्या बात है ब्रो, कहाँ और कैसे मिले थे? बताओ ना, बताओ ना। You're just an illusion, playing games with my heart and mind. You're just an illusion, dream too good to be true. Hello? What the hell? How dare you? Excuse me? Who do you think you are? How can you throw this on me? Sense नहीं है क्या आपको? आपसे पूछ रही हूँ मैं। Hello, excuse me. देख क्या रहे हो? Hello? क्यों जी? एक सुंदर सी लड़की अपने सुंदर सुंदर हाथों से उस कोक टीन को कचरे के डिब्बे में डाल दें तो कचरे का डिब्बा कितना खुश होगा? वो सब छोड़कर ऐसे बीच सड़क पर फेंक रही हो, ये अच्छी बात है? सॉरी, वेरी सॉरी, आपसे मैं कुछ भी सड़क पर नहीं फेंकूंगी। सॉरी। क्यों जी, पहले तो झगड़े का मूड था, अब सॉरी कह रही हो? आप सीधी तरह कहते कि कोकटिन सड़क पर क्यों फेंका तो पक्का झगड़ा करती मैं, लेकिन सुंदर लड़की ने क्यों नहीं फेंका कहा ना, बस वही गुस्सा ही नहीं आया। वैसे आप? मैं हूँ कुमार। इस तरह से सड़क पर कोई कुछ भी फेंक देता है तो उसे उठाकर उन्हें वापस देना यही मेरा काम है। कुछ लोग तो ले लेते हैं लेकिन कुछ लोग वापस मेरे मुंह पे मार देते हैं। मार देते हैं? तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? हमारे बनाए रूल्स को अगर हम खुद ही फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आपने अपना नाम नहीं बताया। प्रिया। नाइस। वैसे इतनी देर रात आप इस सड़क पर क्या कर रही हो? एक फंक्शन से आ रही थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ कार खराब हो गई, सो फ्रेंड को ही फोन कर रही थी। हॉस्टल यही पास में ही है। हॉस्टल? तो आपके मम्मी पापा? यूएस में हैं। मुझे आईएएस पढ़ने की इच्छा है इसलिए हॉस्टल में रहकर कोचिंग क्लास ले रही हूँ। अरे वाह, होने वाली कलेक्टर हो। या इंटरेस्टिंग जगह पे इंटरवल कर दिया, आगे क्या हुआ? ओके ओके, एक मिनट लाता हूँ, लाता हूँ, एक मिनट में लाता हूँ। लव स्टोरी? पीने के लिए पानी चाहिए सर। श्योर मिस्टर रघुनाथ सिंह, पियो। सर आइस वाटर मिल सकता है क्या सर? रघुनाथ सिंह सर, वो आइस की लाठी है सर, दो तीन। नहीं नहीं नहीं, चलेगा सर, चलेगा, मैं तो ऐसे ही पी लूंगा। मुख्यमंत्री के घर के सामने पार्टी के समर्थक माताओं और बहनों का समूह आकर उनके लिए आंसू की नदियां बहा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जनता के दिल में उनकी कितनी इज्जत है। तुम्हारी एक्टिविटीज देखकर लगता है कि तुमने किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप से अच्छी ट्रेनिंग ली है। बोलो, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा? जी हाँ सर, लश्कर ए तैयबा, जेसी मोहम्मद, अल हद उल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, ये सब मिलाकर एक ही ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बात करते हैं सर, इस एक पिस्तौल को एक बिहारी से लेकर यहाँ तक लाने में मेरी जो भी हालत हुई है ना, क्या बताऊँ मैं सर आपको। अगर इतनी परेशानी थी तो अपनी डिमांड्स तुरंत बता दी होती ना, समय आने पर बताऊंगा कहा। क्यों,
तुम्हारी डिमांड्स बताने के लिए एक सही समय शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है क्या? क्यों सर, आपने भी तो शुभ समय देखकर मंत्री पद ग्रहण किया था ना, तभी हमने कुछ पूछा था क्या? हा? तो फिर तुमने कहा है कि उसका नाम कुमार है? हाँ जी सर, एकदम सही कहा। अनाक है। फ्री में मिले तो दो पियर ज्यादा पी लेता है। जी सर जी। और क्या जानते हैं उसके बारे में? जो पता है वही बताया ना सर। अरे नहीं 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 नहीं, जो पता है वो सब किस लिए यार, जो सच है वो बताओ ना। बोलो। ये लो ब्रो। प्लीज ब्रो, कंटिन्यू कंटिन्यू करो ना ब्रो। हाय। ये हाय। ये देखिए, आपको दिखा कर इसे डस्टबिन में फेंकने के लिए साथ लाई हूँ। वाओ। मैं आपको याद कर रही थी आज पूरे दिन। दरअसल मैं भी आप ही को याद कर रहा था। अच्छा। क्यों, मुझे क्यों याद कर रहे थे? कुछ नहीं, एक अनजान लड़की के सामने जाकर तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे हाथ सुंदर है, आइसक्रीम ये वो, थोड़ा ज्यादा ही बोल गया था ना मैं। नहीं नहीं, उसमें गलत क्या है, सच ही तो कहा था आपने। कम, जब हम लव करेंगे तब ऐसे ही ओपन प्यार से बात करेंगे, और अगर मुझे आधी रात को भी आइसक्रीम चाहिए होगी तो तुम्हें लेकर आना होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कहा अभी, हम दोनों प्यार कर रहे हैं? वो ना एक फ्लो में निकल गया, फ्यूचर में जो होना है वो फ्लो। दिल की बात बाहर आ गई। अच्छा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे बात क्या है? मम्मी पापा इंडिया आ रहे हैं। हम उन्हें सब कुछ बता देंगे, उसके बाद शादी और फिर हनीमून के लिए यूएस जाएंगे। ये तो सुपर है। कम। वेट। तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? जॉब ना बाद में देख लेंगे। इसका मतलब? अरे पागल, भूल गई क्या? ओल्ड एज होम, सीएम इनॉग्रेशन, फंड रेजिंग ही तो मेरा एम है ना, उन सब के बाद जॉब आराम से ढूंढ लेंगे। तो मतलब अभी जॉब करने का मन नहीं है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं। ओल्ड एज होम के बारे में सोचते रहोगे तो फिर हमारी लाइफ का क्या? हे, बेकार में तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, जैसे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हो, मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें क्या कहकर मिलवाऊंगी? पागल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ब्रेव है, स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, ये सब कहकर इंट्रोड्यूस करवाओ ना। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डिजाइनेशन की क्या जरूरत है? कुमार, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तुम बेवकूफ़ जैसी बात मत करो। देखो प्रिया, मेरे लिए लाइफ में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो तुम और दूसरा मेरा ओल्ड एज। मेरे लिए भी दो चीजें जरूरी है, एक तुम और दूसरी मेरी सोची लाइफ। सो मेरे पेरेंट्स के आने तक कोई नौकरी ढूंढ लो, वरना वो जहाँ और जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। देखो कुमार, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम मुझे चाहते हो या नहीं कि तुम डिसाइड करो। उतरो उतरो। दस बियर खत्म होने तक तुम्हारा प्यार अभी शुरू होकर ऐसे खत्म हो गया ब्रो। तुम्हारा क्लाइमेक्स सुनकर मुझे दुख हुआ, पता नहीं तुम्हारी वाली ने ऐसा क्यों किया होगा ब्रो, लेकिन मेरी वाली एकदम हीरोइन है ब्रो, एकदम हीरोइन। हेलो यू इडियट। हाय। सेंस नहीं है तुम्हें? इडियट। ए पागल। पागल? तू होगा दुनिया का बहुत बड़ा पागल, सेंसलेस पागल, पागलों का महापागल। हेलो। कौन हो तुम? मेरे मुंह को तुम ऐसे डस्टबिन क्यों बनाना चाहती हो, बताओ ना। रोड पर इतने सारे डस्टबिन हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसे उसमें नहीं फेंक सकते? ब्यूटीफुल है जी। डस्टबिन को ब्यूटीफुल कह रहा है? आज तक जिंदगी में इतना स्ट्रॉन्गली मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम एक बार हाँ तो कहो। इस एरिया के सारे कचरे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर सारा कचरा मैं खुद उठाकर डस्टबिन में डाल दूंगा, बस तुम हाँ कहो, तुम बस एक बार हाँ कह दो। ओए, बेकार का नाटक मत करो। लगता है ज्यादा हो गया। हाँ, जाओ। बस इतना ही? हाँ बस, और क्या चाहिए? दो सुंदर से युथ। क्या?
पहली बार मिले हैं तो सैंडविच या बर्गर खाए बिना थोड़ी जा सकते हैं। तुम्हारी शक्ल को पिज्जा या बर्गर सूट नहीं करते, पर चाहो तो हम आइसक्रीम जरूर खा सकते हैं। आइसक्रीम? ओके, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम दर्शनी है। अच्छा, वैसे आप पढ़ाई करती हैं या जॉब करती हैं? मैं फिल्मों में हीरोइन बनने का ट्राई कर रही हूँ। ओह, क्या बात है। फिल्मों के सारे डायरेक्टर और हीरोज तो मेरे फ्रेंड हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकती हैं। अच्छा? आपके लिए गोविंदा ठीक रहेगा ना? गोविंदा अच्छा तो लगता है। हाँ। लेकिन सलमान बहुत पसंद है, उनके साथ एक्टिंग करने की इच्छा है मुझे। ये तो सीधे सलमान तक पहुँच गए। अच्छा दर्शनी, ऐसे तुम अकेले घूम रही हो, तुम्हारे घर वाले कुछ कहते नहीं क्या? मेरे पेरेंट्स कोयम्बतूर में हैं, लेकिन मैं यहीं हॉस्टल में रहती हूँ। ओह क्या बात है, मतलब हम रोज इस तरह से मिल सकते हैं ना, आइसक्रीम खा सकते हैं। ओके? क्यों भाई, तुमने अपना लव उसे प्रपोज कर दिया और उसने एक्सेप्ट किया क्या? मेरा प्रपोज करना छोड़ो ब्रो, तुम्हारा लव सीनियर लव, तुम्हारा प्यार रूठ कर चला गया बताया ना। पहले उसे सेटल करते हैं ना। पहले तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, पहले तुम्हारा तुम्हारा। ठीक है ब्रो, टॉस करते हैं ना दोनों। अब इस बोतल से उस स्ट्रीट लैम्प को तोड़ दिया ना तो तुम्हारा प्यार। नहीं तोड़ा तो? तब भी तुम्हारा ही प्यार। सुपर 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 ब्रो, क्या बात कही है तुमने। मुझे आशीर्वाद दीजिए सुन। ये लो मारो। बोतल उठा लिया, निशाना लगा लिया है, और ये पीका बब को फोड़ डाला। ए, कौन है वहाँ? राजा हूँ मैं। अच्छा शगुन है, और जल्दी तुम्हारी शादी होगी। कहाँ गई तुम्हारी वाली? ब्रो बस थोड़ी देर में आएगी ब्रो। ब्रो वो आ गई ब्रो, वहाँ मत देखो। ब्रो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मेरी वाली कौन है तुम पता लगा लो ना, प्लीज ब्रो। कैसी कैसी इच्छाएं हैं तुम्हारी? प्लीज ना ब्रो। प्रिया, मैं सामने हूं देखे बिना ही चली आ रही है। ठीक है, मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपनी वाली को पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। देखो वो वाइट चूड़ीदार में जो आ रही है। ग्रेट ब्रो, तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। कैसी है ब्रो? अच्छी तो है ना? और नहीं तो क्या, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। अब तक तो खड़े थे, अब क्या हो गया तुम्हें? बस थोड़ी देर रुक जाओ ना, फिर साथ में चलते हैं। बाद में मिलता हूँ, बाय ब्रो। हे, वो कुमार था ना? तुम उसे जानती हो क्या? मैं उसे जानती हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अब टच में नहीं है। एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे मम्मी पापा यूएस में थे ना? हाँ थे, तब यूएस में थे और अब कोयम्बतूर में रहते हैं। तुमने पहले आईएएस पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था। तो फिर फिल्मों में ट्राई करना? हाँ वो भी कर रही हूँ, आईएएस में ट्राई किया था, नहीं हुआ इसलिए फिल्म कर रही हूँ। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा नाम प्रिया ही है ना? मेरा पूरा नाम प्रियदर्शनी है। अरे बाबा, लेकिन तुम बेकार में परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स तो होगी ना। हेलो, उस फीलिंग को सेफ रखो, मुझे देर हो रही है, हम कल मिलते हैं, बाय। क्यों क्यों ऐसे शक की निगाह से देख रहे हो? ये बाला इतना महान नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं जानता नहीं था कि प्रिया तुम्हारा असली प्यार है, मुझे माफ कर देना। ये जानते हुए कि मैं एक अनाथ हूं, मुझे रहने की जगह दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, पीने के लिए बियर भी दी, बोलो तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पास तो बस एक ही चीज है, मेरा प्यार। करूंगा, उसका बलिदान करूंगा। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ।
तुमने मेरी जान बचाई है और मैंने बस छोटी सी मदद की है, लेकिन उसके लिए तुमने अपने प्यार का बलिदान दिया। अब मुझे भी कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है। क्या करोगे तुम? इंपोर्टेड कपड़े, एक्स्ट्रा दो बियर, नहीं छोड़ दो। नहीं, मुझे लाइफ दी है और अब लाइफ के लिए पार्टनर भी दिया है तुमने। तुम्हारी लाइफ के मिशन के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा ब्रो। समझा नहीं? मैं अपने पापा के पैरों में गिर जाऊंगा, लेकिन वृद्धाश्रम के लिए सीएम को लेकर आऊंगा ब्रो। बाय। और तो बहुत सेलिब्रेशन चला था सर, जहां देखो वहां कलरफुली दिखता था सर। बहुत प्यार किया सर, दिल में बिठा कर रखा। दिल है में? हाँ? तुम्हारी टांगों के नीचे मारूंगा। कथा कहीं का उसने फिल्मों के हीरो की तरह तुम्हारे जरिए सीएम को वहां बुलवाया। पढ़ा लिखा है कि नहीं तू? सर चुप। शक्ल तो देखो इसकी, कथा कहीं का। सर प्यार का बलिदान तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना सर। काहे का पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड, शक्ल तो देखो इसकी। वो अपने प्यार का बलिदान कर सकता है, तो इस लड़की ने बलिदान क्यों किया? तुम क्या सलमान की तरह स्मार्ट हो या शाहरुख खान की तरह सुंदर हो? नहीं हो ना? रघुनाथ सिंह, ठीक है उस लड़की का मोबाइल नंबर दो। नहीं पता सर। तूने टॉप अप किया होगा ना उस लड़की का नंबर? चल नंबर बता। सच में नहीं पता है सर। चलो फोन नंबर नहीं पता छोड़ो, चलो उस लड़की का गाड़ी नंबर ही बताओ। क्या हुआ? मिस्टर रघुनाथ सिंह, इसे देखकर लगता है इसने गाड़ी देखकर प्यार किया होगा। क्या? तेरी तो, मैं सीरियस बात कर रहा हूं, तू हंस रहा है? रास्कल कहेगा। एक बात समझ ले तू, गवर्नमेंट को धोखा देना इतना आसान नहीं है। अगर तू हाथ लगा ना, 5 जन्मों तक बिठा कर रखूंगा ही पे। सर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लाइन पर है सर। कहिए सर। क्यों सर? आपके अपॉइंट किए गए कमिश्नर ने पूछा कि सीएम साहब जिंदा हैं, तो उन्हें जवाब भी मिल गया है। सीएम ने अपनी आवाज में खुद उनका नाम बताया। चाहे कोई मरे या जिए, लेकिन आप सबको और उस कमिश्नर को 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, पर हमारे नेताजी हमें जिंदा मिलेंगे या नहीं ये पता नहीं है। इस सिचुएशन में हमें ही कंट्रोल में रहना होगा। ओहो, सभी ऐसे इमोशनल होने लगे तो लॉ एंड ऑर्डर को कौन कंट्रोल करेगा? यही तो आप बोलेंगे, और आपका बोलना बनता भी है। आपको डीजीपी को और उस कमिश्नर को पिछली सरकार ने पोस्टिंग दी थी और ये सबको पता है। हमारी सरकार बनते ही आप सबको बदल देना चाहिए था, पर 4 साल तक आपको रखा, ये गलत किया। अगर वो कमिश्नर मेरी बात सुन रहा होता तो अभी मैं और सीएम एक साथ बैठ के लंच कर रहे होते। हमें अच्छी सी न्यूज़ चाहिए। कम कमिश्नर सर, मेरे डिमांड्स क्या हैं मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह सुन लीजिए। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वेरी सिंपल। कुछ दिन पहले मैं एटीएम गया था, पैसे विड्रॉ किए, उसमें 1,000 का एक नकली नोट निकला। बदलने के लिए बैंक गया तो वहां पर मेरा नकली नोट फाड़ दिया, इसलिए मेरे 1,000 मुझे वापस दे दोगे तो सीएम को मैं छोड़ दूंगा। 1,000 रुपए? कमिश्नर सर, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। कुछ दिन पहले मैं एटीएम गया था, पैसे विड्रॉ किए, उसमें 1,000 का नकली नोट निकला, उसे बदलने के लिए मैं बैंक गया तो नकली नोट फाड़ डाला, इसलिए मुझे मेरे 1,000 वापस दे दोगे तो मैं सीएम को तुरंत छोड़ दूंगा। समझ गए ना? सीएम की किडनैप में एक पेचीदा घुमाओ। मुख्यमंत्री योगेश्वर जी को किडनैप करके गांधीनगर के वृद्धाश्रम में रखा गया है।
स्पेशल अपॉइंट किए गए चंदन पांडे ने किडनैपर से मुख्यमंत्री को किडनैप करने की वजह और डिमांड पूछी तो किडनैपर ने बताया कि कुछ समय पहले उसने एटीएम से निकाले पैसों में से 1000 का एक नकली नोट निकला था और जब वो नोट बैंक में बदलने के लिए गया तो बैंक अधिकारियों ने उसे फाड़कर फेंक दिया। अब किडनैपर का कहना है कि वो 1000 रुपए अगर उसे मिले तो ही वो मुख्यमंत्री योगेश्वर जी को छोड़ेगा। सर ये सुनी क्या आपने? इस खबर ने सभी को चौंका दिया है कि 1000 रुपए के लिए सीएम का किडनैप हुआ है। हेलो, इस खबर ने सभी को चौंका रखा है। किडनैपर ने 1000 रुपए के लिए तुम्हें सीएम को बांध कर रखा है, अरे ये तुम किसी से भी मांगते तो वो तुम्हें दे देता। अब देखो वहाँ तुम्हारे पागलपन की वजह से हंगामा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं, पूरी सरकार तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात सिर्फ 1000 रुपए की है, लेकिन तुम्हारी वजह से लोगों का कितना नुकसान हो रहा है ये तुम्हें पता है? मुख्यमंत्री योगेश्वर जी के किडनैप होने की वजह से लोग बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं, हर जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ शहर की कई औरतों ने उनकी सलामती के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी, जहां कई लोग अंग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम अपने नेताजी के लिए आंदोलन करेंगे, जब तक जान है तब तक आंदोलन करेंगे, हम उन्हें छुड़वा कर रहेंगे। सभी सम्माननीय लोगों को मेरा तिलकराज जी, वो सब रहने दीजिए, सीएम साहब नहीं है तो आप उनकी सीट पर बैठ गए हैं, इसी का इंतजार कर रहे थे क्या आप? मैं किसी कुर्सी की इच्छा नहीं रखता, ये बात सारी जनता अच्छी तरह से जानती है। हर बार के मुख्यमंत्री यही रहेंगे और मैं हमेशा उनका साथी रहूंगा। आप बेकार बात करें इसलिए शांति रखिए। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। अरे आप लोग सुनना चाहिए पहले, जरूर कोई सुनने के बाद आप इसे समझ लीजिए। क्या आप लोग शांत हो सकते हैं? अरे काफी सोच विचार करने के बाद हम 1000 रुपए देने को तैयार हैं। सर इस किडनैपिंग की वजह 1000 रुपए है या कुछ और हो सकता है? हमें ये पता चला कि वो लड़का एक एटीएम में पैसे निकालने गया था जिसमें 1000 का एक नकली नोट आया। जब वो उसे बैंक ले गया तो बैंक वालों ने उसे फाड़ दिया, उस वजह से उसने गुस्से में सीएम साहब का किडनैप कर लिया। तो उसे अगर 1000 दे देंगे तो वो सीएम साहब को छोड़ देगा। एक गरीब का इस तरह से गुस्सा होना अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका चुना गया रास्ता एक दंडनीय अपराध है। क्यों सर, 1000 रुपए किसी से भी मांग लिए होते तो दे देता कहा था ना। सीएम को अगवा करके मांगा तो भी 2 घंटे की मीटिंग रख कर उसके बाद ओके कह रहे हैं। That is my government. That's a sincere government. चाहे एक सीएम हो या एक आम इंसान हो, 1000 हो या 1000 करोड़ हो, उसका एक तरीका होता है और वही मेरी सरकार वहाँ कर रही है। अरे सर बंदी बने हुए हो लेकिन मजाक अच्छा कर लेते हो। वो 1000 रुपए गवर्नमेंट देगी या आपके लोग भीख मांग कर ला कर देंगे, ये बातें होंगी अंदर। अब चलिए आपके कमिश्नर कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कहिए कमिश्नर सर। तुमने जो 1000 रुपए मांगे थे उसे हमारी गवर्नमेंट देने के लिए रेडी है, कब कैसे देना है ये तुम बताओगे तो ठीक रहेगा। आपने जो प्रबंध किया है उसके लिए शुक्रिया। सीएम साहब की रिहाई में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। 1000 देंगे तो सीएम को छोड़ दोगे, यही डील हुई थी ना, तो अभी इच्छा विच्छा कहां से जाग उठी? वैसा कुछ नहीं है सर, मुझे महात्मा गांधी बहुत पसंद हैं। गांधी जी के नाम से ही याद आता है अहिंसा और ईमानदारी। लेकिन सुबह मटन शॉप पर जाओ तो गांधी जी की फोटो वाले नोट ही देते हैं, शाम को वाइन शॉप पर भी गांधी जी के फोटो वाले ही नोट देते हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह उस पर हंसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वही बात मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, इसलिए आप मुझे जो नोट देंगे उसमें से गांधी जी की फोटो हटाकर कहीं भी वो नोट चल सके ऐसा नोट दीजिए। मैं अभी सीएम सर को छोड़ दूंगा, बस यही मेरी छोटी सी इच्छा थी। 1000 के नोट से गांधी जी का फोटो निकालना, तुमने क्या फिल्म का पोस्टर समझ रखा है? जो एक फाड़ कर दूसरा तैयार कर लो। ये देखो, एक नोट में कुछ भी बदलना हो या कुछ भी जोड़ना हो तो पार्लियामेंट में कानून बनाकर रिजर्व बैंक को फैसला लेना होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, एक स्टेट का सीएम इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये? क्यों सर? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ही देश में तो है। अभी हमारे साथ आर्थिक विकास अधिकारी मिस्टर प्रताप जी बैठे हुए हैं। ये जो मांग रहे हैं कि 1000 के नोट से गांधी जी का फोटो हटा दो, तो सरकार से छुपा कर रखे हुए ब्लैक मनी मतलब गांधी जी के साथ वाला सारा पैसा, ना चलने वाले पैसे रह जाएंगे। ठीक उसी समय विदेशों से छप कर आने वाले सभी के सभी जाली नोट कम्प्लीटली बेकार हो जाएंगे। बिना गांधी जी के फोटो वाले नोट तो कोई भी प्रिंट कर सकता है ना? श्योर, जरूर कर सकता है, लेकिन उस समय सरकार थोड़ा केयरफुल रहे तो एक साथ ये काले कारनामे एकदम बंद हो जाएंगे। क्यों भाई?
किसी भी इंसान से मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो कैसा है, क्या है, लेकिन तुम्हें देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सी बातें करते हो, क्रांतिकारी कविताएं सुनाते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? पीजिए सर। क्या परेशानी तुम्हारी? आप ये जो पानी पी रहे हैं ना, इस एक ग्लास पानी के लिए 40-50 साल के बाद इंसान एक दूसरे का खून भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, ये आप मानोगे? कैसे मान लूं मैं, क्योंकि भविष्य का ही सोचकर कई बांध बनवाए, बारिश के पानी को बचाना, कुएं खुदवाना, गली गली में सरकारी नलों को लगवाने के प्लान चल रहे हैं। तो फिर ये नदी तालाब और बांध भी आपने रिश्वत के साथ मिलाकर ही बनवाए हैं ना? चार दिन बारिश हो जाए तो कौन आकर खाना देगा, ये सोचकर हमने अपने हाथ फैलाए हैं। पानी के बहाव वाली जगह पर अपना घर बनाने के लिए परमिशन भी तो सरकार ही देती है ना। हमें खाना देने वाला किसान पानी मांगता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बारिश के पानी को साफ करने का रास्ता ढूंढने की बजाय उसे बहने देकर उसके बाद पानी नहीं है कहकर बार बार बेशर्मों की तरह पड़ोसी राज्यों से भीख मांगते हैं। वरदान के शब्द को अपने श्राप बना दिया है सर। ये सब कम नहीं पड़ता है तो किसान हमारे देश की जान है। धूप में स्टेज पर ऐसी बातें करके किसानों को मारने वाली मिथेन गैस पर अमल किया जाना चाहिए, उस पर एसी रूम में बैठकर वार्तालाप करते हो, वो भी दे दो ना। अगली पीढ़ी के लिए ना तो पीने का पानी होगा ना धोने के लिए पानी होगा। गुड, वेरी गुड। एक कॉमन मैन की तरह ये सारे सवाल बाहर से बोलने में अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। ये स्टेज पे बोलूंगा तो तालियां भी मिलेंगी, लेकिन विकास के लिए कुछ फैसले लेने से पहले कुछ बलिदान देने ही होते हैं। किसके विकास के लिए? किसके विकास के लिए सर? 2 पैसे वालों के विकास के लिए 98 लोगों की जिंदगी का बलिदान दे रहे हो, वो अच्छा है क्या? बात करते हैं। अब बताइए ना सर, इस एक गिलास पानी के लिए मैं आपका खून भला क्यों ना करूं? मिस्टर पांडे। सर। इसके आगे आप पर भरोसा किया तो बात खत्म ही नहीं होगी। मुझसे और सब्र नहीं किया जा सकता, इसलिए आज रात को एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारे बस का नहीं है, उस जगह को तुरंत क्लीन कर दो। सबसे जरूरी बात अपने आप को शांत रखना, और जब वो आएंगे वो अंदर जाके आराम से सीएम साहब को बाहर लाएंगे। सर आराम से इसे सॉल्व करना होगा। अगर कहीं गलती से मिस फायर हो गया ना तो एनएसजी ऑपरेशन को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं सर। मिस्टर पांडे, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बात समझिए, सीएम को आपसे ज्यादा हम चाहते हैं, और वैसे भी वो पेशेंट हैं। और मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं जो कह रहा हूँ बस उतना ही करो, ठीक है? हाँ प्लीज सर। एनीथिंग सीरियस सर? और होम मिनिस्टर एनएसजी ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। दैट्स गुड सर। प्लीज मेक श्योर नो पावर कट इन दिस एरिया। इन्फॉर्म ऑल सब स्टेशन्स आल्सो। सर, डॉगी का फोटो भेजा है। अपने वाईफाई का पासवर्ड क्या है जी? ए शट अप। ओके। एंड डोंट कॉल मी बैक अगेन। क्या हुआ जी? सो इज दैट होम मिनिस्टर? यस, माय होम मिनिस्टर। मूव मूव, प्लीज मूव। हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जब तक हमें जाना, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम आंदोलन करते रहेंगे। हम आंदोलन करते रहेंगे। इज योर गन लोडेड? हम आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम आंदोलन करते रहेंगे। हम आंदोलन करते रहेंगे। सर, एनएसए कमांडोज अंदर गए हैं सर। मैंने उन्हें चुपचाप कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर हम उन्हें न्यूज में डाल दें तो सेंसेशन बन जाएगी, और अच्छा खासा हाइप भी बन सकता है सर। इसे न्यूज में डाल देंगे तो सीएम को किडनैप करने वाला भी देखेगा ना। देखकर उसने कुछ उल्टा फैसला ले लिया तो गलत हो सकता है, इसीलिए नहीं डालेंगे। मीडिया जो है वो अच्छाई का ही साथ देती है और बुराई की दुश्मन होती है। इस बिल्डिंग में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। सभी सीसीटीवी कैमरे का एक हिस्सा होता है जो खुद नहीं देख पाता।
उसका पता लगा दें तो दो कैमरे के बीच में किडनैपर की नजर से बचकर हम अंदर जा सकते हैं सर। सर, पुलिस ने जो मैप दिया था उसके जरिए इस बिल्डिंग के 3D मॉडल हमने बनाए हैं। मेरे पास जो डेटा है उसे 3D मॉडल के साथ देखा जाए तो पीछे के दो कैमरे के बीच में किडनैपर की आंखों से बचकर हम बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं, वो यहाँ पर है सर। लेकिन बिल्डिंग के अंदर वो लोग एग्जैक्ट किस जगह पर है वो हमें पता लगाना होगा सर। सर, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, अब हम सीएम तक पहुंच सकते हैं। सर, भूकंप में फंसे लोगों को बचाने के लिए पैराडोर मीटर को चेक करने की एक टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने देखा तो बिल्डिंग के सेंटर हॉल में दो लोग दिख रहे हैं सर। ओवर टू यू फॉर डिसीजन सर। कमांडोज, मूव अहेड। यहाँ पर कोई नहीं है सर। यहाँ पर थर्मल वेव्स दिखा दे रही हैं। एक वायरलेस माइक और वायरलेस स्पीकर के जरिए कहीं और से ऑपरेट करके मिसलीड किया गया है ऐसा लग रहा है सर। What? Attention NSG टीम, मुझे मालूम है कि आप 8 लोग अंदर आ चुके हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 10 सेकंड में आप लोग बाहर नहीं निकले तो सीएम को मिलाकर 9 लाशें बाहर निकलेंगी, समझे? Hey, call them back right now. Operation Octopus is about to. Let's move. क्या हुआ मिस्टर पॉल? सांप की तरह गए थे ना, फोटो नहीं खींची वहां? शेर की तरह गए तो थे लेकिन चूहे की तरह वापस आ गए। तुमने जल्दबाजी में जिसका भी पता लगाया है वो सब हम पहले से ही जानते हैं। क्यों मिस्टर रघुनाथ सिंह, बढ़िया टेक्नोलॉजी है कहा था ना, यू नो वन थिंग, टेक्नोलॉजी को दिमाग का साथ देना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी को ही दिमाग बना लो, यू अंडरस्टैंड? कमिश्नर सर, एक तरफ आप मुझसे बातचीत कर रहे हो और दूसरी तरफ एनर्जी टीम को अंदर भेजकर आप अपना नाम रोशन करने की कोशिश मत करो। एक सीएम को किडनैप करो तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कोबरा, कमांडर बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ऐसे और भी टीम्स अंदर भेजोगे ये मैं जानता था। उन टीमों को कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। सीएम को बचाने की कोशिश में आपका हर एक कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा है, ये मत भूलना। This is not a warning, Commissioner. Ultimatum. इस एरिया के आसपास भी तुम लोग मुझे नहीं देखने चाहिए। Out of my sight. Out, officer. Let's go. Clear them now. Sir, NSG commandos को अंदर भेजने का प्लान, हमारे मना करने के बावजूद भी आपने उन्हें ऑपरेशन करने की परमिशन दी, आखिर क्या रिजल्ट हुआ? सर, सीएम साहब को सुबह 8 बजे अगवा किया गया था, अभी टाइम क्या हो रहा है ये देखिए, और अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई है। वो समय समय पर दवाइयाँ खाते हैं, तो उन्हें वहाँ से जल्दी बाहर निकालने के लिए इस कमांडो ऑपरेशन की मैंने ही परमिशन दी थी। आपकी जानकारी के लिए सीएम साहब एक उच्च अधिकारी हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमारे लीडर ही नहीं, हमारे भगवान हैं सर। सर, भगवान के लिए एक मिनिस्टर की तरह बात करो, राजनेता की तरह नहीं सर। सेक्रेटरी सर, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग गलत बात कर रहे हैं। सर 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 सर, कौन सही है कौन गलत है ये आर्गुमेंट जरूरी नहीं है, सीएम साहब को बचाने के लिए क्या करना चाहिए ये जरूरी है। सर, एनएसजी पर हमने उसका रिएक्शन तो देख ही लिया है ना सर, वो क्या मांगेगा क्या करेगा कौन जानता है, अब कौन उसके सामने जाकर बात करेगा? किसी को जाने की जरूरत नहीं है सर, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद बात करूंगा, अब तो खुश। रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता लगभग लाखों की तादाद में मैदान में इकट्ठा होकर अनशन पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं का इतने तादाद में एक साथ अनशन पर बैठना अब तक का एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए लोग बहुत ही उत्सुक हैं। आगे की खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, एनएसजी अकेडमी सीएम को कुछ हो गया तो आप सीएम बन जाएंगे है ना सर? सर, मैं आ रहा था, ये बात सिर्फ तुझे पता थी तो प्रेस वालों को क्यों बताया?
सॉरी सर। जी हाँ, कहिए आपका क्या सवाल? वही सर, एनएसजी ऑपरेशन में सीएम को कुछ हो गया होता तो आप सीधे सीएम बन जाते है ना सर, वही पूछ रही थी। वाह क्या सोच है, पर इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। सिर्फ आपको ही नहीं, ये बात सभी ध्यान से सुने। ऐसे मुश्किल वक्त पे हमारे मुख्यमंत्री साहब पे क्या बीत रही है ये बात सिर्फ हम ही नहीं पूरी जनता जानती है, और इससे सबको गहरी ठेस पहुंची है ये बात हम जानते हैं। ये दुख दोबारा सुख में बदलेगा। सीएम साहब बाहर जरूर आएंगे और उनके शासन में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ वो ही बैठेंगे, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। तब तक के लिए मैं जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया, न्यू सेवन। अच्छा नाम है, खुश रहो। थैंक यू सर। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। कुछ लोगों ने बेकाबू भीड़ का फायदा उठाकर बस में आग लगा दी। किस्मत से किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल। मिस्टर पांडे, सब कुछ ठीक तो है ना? टेंट गर्म हो जाता होगा तो सरकार के खर्चे पे एसी लगवा दूं? हाँ? मुझे उससे बात करनी है। ऑफिसर माइक। सर प्लीज वेट देयर सर, उस व्हाइट लाइन को क्रॉस न करने का उसका ऑर्डर है। क्यों भाई कुमार, जवाब तो दो। नमस्ते मिनिस्टर सर। नमस्ते भाई, आप यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। क्यों भाई, इतना अच्छा नाम है तुम्हारा कुमार और ऐसा काम किया तुमने। 1000 के नोट से गांधी जी का फोटो निकालने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। कोई और छोटी सी इच्छा हो तो बताओ, मैं अभी पूरी करवा दूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है। हाँ बोलो। वो क्या है ना, पिछले साल इसी दिन युगोस्लाविया में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, उसके लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रख लेते हैं ना? ठीक है, रखें क्या? युगोस्लाविया, ये क्या? ठीक है रख लेते हैं। गुरु, हाँ? आखिर वो चाहता क्या है? शायद वो देशभक्ति गीत गाएगा लगता है, इसलिए हम लोग स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद मिनिस्टर सर। थैंक यू। मुख्यमंत्री की चिंता है इसलिए भले ही थोड़ा लेट, लेकिन स्पॉट पर आकर मेरी डिमांड पूछ रहे हो ना, जरूर बताऊंगा सर। लेकिन उससे पहले थोड़ी चिल्लर परेशानियां हैं, उसे पहले सेटल कर दो। चिल्लर मांगनी थी तो इन लोगों से मांग लिया होता, मुझसे क्यों मांग रहा है? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है बोलो। अरे कुछ नहीं सर, मैं मेडिकल शॉप में गया था, 5 BP की दवाइयाँ खरीदी तो उनकी कीमत 9.52 रुपए थी। ठीक है, मैंने 10 रुपए दिए तो मेरे 48 पैसे नहीं है कह दिया। मेरे वो 48 पैसे मुझे वापस दिला दीजिए, उसके बाद डिमांड की बात करेंगे। क्या हुआ मिनिस्टर सर, शौक लग गया क्या? एक बार और सुन लीजिए, मैं मेडिकल शॉप गया था, 5 BP की दवाइयाँ खरीदी, उनकी कीमत 9.52 रुपए थी, मैंने 10 रुपए दिए, मेरे बाकी के 48 पैसे नहीं है उसने कहा, मेरे 48 पैसे मुझे वापस दिला दीजिए ना, डिमांड की बात बाद में करेंगे। ए कुमार, पागल हो गए हो क्या तुम? ये कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? 48 पैसे वो कैसे देगा तुम्हें? उसके कॉइन्स ही नहीं बने हैं, और देगा तो भी वो चलेंगे नहीं। इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें पता नहीं है, बेवकूफी की बात है। कॉइन्स नहीं है, होते तो भी नहीं चलते। ऐसा है तो किसने ये कीमत फिक्स करने के लिए कहा था, तुम्हारे बाप ने या तुम्हारे दादा ने? 48 पैसे तुम लोगों के लिए बहुत आम बात हो गई है ना? ऐसे दूध के पैकेट, होटल, मार्केट, मॉल, जहाँ भी जाओ उसके लिए 25 पैसे, इसके लिए 55 पैसे। हर इंसान एक दिन में 2 रुपए का तो धोखा खाता ही है। 120 करोड़ की जनसंख्या तो एक दिन में 2 रुपए, साल के 725 रुपए, इन सबको जोड़ के देखा जाए तो लगभग 85,000 करोड़। 85,000 करोड़ को व्यापारी दिन दहाड़े लूट लेते हैं, ये सोचने की ना तो आप में बुद्धि है और ना देखने की शक्ति है। hey, अगर हम उन 85,000 करोड़ को कलेक्ट करके तुम्हें दे देंगे तो सीएम को रिलीज कर दोगे? 1,000 रुपए मांगने पर तुम लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया था और तुम 85,000 करोड़ दोगे? तुमसे नहीं होगा, इसलिए
जो भी सामान खरीदो तो उसमें से जो चिल्लर बचता है सीएम विकास कोष में जमा हो, ऐसा कानून बनाओ ना। बाकी बाद में बात करेंगे, इसके लिए पार्लियामेंट में हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ जोड़ने की। पार्टी ने मस्त बात कही है ना। ऐसा क्या कह दिया? लेकिन एक बात नहीं कही है गुरु। हाँ। मैं वाइन शॉप पे जाके क्वार्टर खरीदता हूँ तो अलग से 5 रुपए मांगता है, 1 रुपए भी कम हो तो दारू नहीं देता। हाँ? क्वार्टर पर 5 रुपए लेता है तो हाफ पर 10 रुपए लेता है और फुल पे 20 रुपए लेता है। इसका हिसाब कौन लेगा? सही कहा। ये बात मैं पब्लिक के पास जाके बोलता हूँ तो पी कर साला बड़बड़ा रहा है, कहते हैं। इधर मुझे मिनिस्टर बनने का अच्छा आइडिया दिया है तूने। ये आंदोलन हम अलग से बाद में करेंगे, मैं ही मिनिस्टर बनूंगा। गलत गलत हिसाब लगाकर तुम ये जो बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है ये सही है? ध्यान से सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स 14% है, उसके बाद सेस टैक्स है 0.5%। इन सब के होने की वजह से ही ये चिल्लर की परेशानी आती है। ये सब जाने बिना तुम कुछ भी बकवास मत करो। टैक्स परसेंटेज तो आपने बहुत तरीके से याद करके रखा है मिनिस्टर, आई एम इम्प्रेस्ड। सरकारी शिक्षा और सरकारी इलाज मुहैया कराएंगे कहकर ही टैक्स वसूल करते हो ना? हाँ तो, लेकिन देते तो नहीं हो। जीवन सिखाने वाली शिक्षा और जान बचाने वाला इलाज प्राइवेट फर्म को देकर जिंदगी खत्म करने वाली वाइन शॉप ही सरकार को नहीं चलानी चाहिए, ये तो आपको पता ही नहीं चला क्या मिनिस्टर? ज्यादा कमाई वाले व्यापार को अगर सरकार रख ले तो गलत क्या है? करेक्ट सर। कुछ भी छुपाए बिना आपने खुलकर कहा कि हमारी गवर्नमेंट वाइन शॉप की कमाई से ही चलती है, ये मान लिया आपने। मैंने नहीं कहा। थैंक यू सर। हेलो 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 हेलो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये आदमी सीएम को बचाने आया था कि कॉमेडी करने आया था? गृह मंत्री जी आज की बात पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री जी ने शराब के बारे में जो भी बात कही है, एल्कोहल की वजह से हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो सर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन शराब कौन बंद करेगा सर? होम मिनिस्टर साहब का ये बयान सामने आया है कि सरकार वाइन शॉप की वजह से चल रही है। राज्य में कृषि को गड्ढे में डालकर दारू के ठेके लेने की बात हमारे मंत्री जी खुद कहते हैं। पूछो तो हमारा ये बिजनेस पहले ही नंबर पर है, पहले ही नंबर पर है कहते हैं। किसमें पहले नंबर पे है? इसमें ही पहले नंबर पे है सर। हा? वाइन शॉप जो सरकार चलाती है ये सही है या गलत है? मैं जो कहना चाहता हूँ कि जैसे 8 घंटे दुकानें होती है ना, उसे 5-5.5 घंटे कर लो। अगर पीने वाले 21 साल के ऊपर हो, ऐसा एक कानून बना दो तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी पीने लगे हैं ना। जिम्मेदार पद पर होकर मंत्री जी ने कहा है कि सरकार शराब की कमाई से ही चलती है। क्यों सर? ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है। आप ही की पार्टी का मेन आदमी ऐसी कॉमेडी करके चला गया, एंजॉय किए बिना ऐसे सीरियस क्यों बैठे हो? विपक्षी पार्टी ने तुम्हें कितना दिया? क्योंकि तुम्हारी तो कोई डिमांड्स ही नहीं है। इलेक्शन के समय मेरी पार्टी पर लांछन लगाने के लिए ही तो तिलक राज के मुंह से ऐसा बुलवाया। देखो, इस लांछन को मैं एक ही मीटिंग में साफ कर सकता हूँ। कार्यकर्ताओं का खून पसीना ही मेरी पार्टी है। तुम्हारे पत्थर से टूटने वाला वो कोई शीशे का घर नहीं है। बोलो कितना लिया तुमने? सर, आपकी सोच को मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, मंत्री के मुंह से निकला तो मैंने उसमें क्या किया है? सर, मतलब मंत्री जी ने सच कहा था ना? उसने जो कहा मैं क्यों मानूं उसे? शराब की कमाई से मुझे सरकार चलाने की जरूरत नहीं है। शराब को दूर रखो, उस आंदोलन को शुरू करने वाला मैं ही हूँ। कुछ भी जाने बिना मत बोलो। आपके आंदोलन का इतिहास तो हम सब भी जानते हैं। आपके आंदोलन में शराब पीना घर और देश दोनों के लिए भी नुकसानदायक है। ये लेबल बोतल पर चिपकाने तक के लिए आंदोलन है। अच्छा बोलते हो, सरकार की बुराई करते रहते हो। एक बात बताओ, तुम लोग कोई सरकारी स्कूल में तो आते नहीं, सरकारी अस्पताल में जाते नहीं, सरकार जो भी कानून बनाती है उसका सम्मान नहीं करते हो, लेकिन शिक्षा नहीं दी जाती, ना स्वास्थ्य देखा जाता है, ये पूछ कर सरकार की बुराई करते रहते हो, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी जरूर चाहिए। अब बोलो गलती किसकी है? आपकी गलती है सर। हर बालक को 5 साल तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने पर ही सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा कानून बनाइए, सब बदलेगा। आप चाहो तो देख लीजिए, एक दिन क्रांति जरूर आएगी। हाँ आएगी, क्रांति आएगी, क्रांति। तुम्हारी क्रांति फेसबुक पर डालकर कितने लाइक्स हुए बस यहीं तक होती है। तुम्हारे जनरेशन में क्रांति शब्द ही खत्म हो चुका है। वो तो हम जैसे राजनेता लोग हैं जो सोशल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं जिससे देश चलता है। क्रांति करेंगे क्रांति। अपने राज्य की बुराई करने से बेहतर है कि अपने काम पर ध्यान दो, और देश कैसे चलाना ये हम जानते हैं। पीके, टीवी देख रहे हो तुम? एक बात तो कंफर्म है, सीएम के किडनैप में साथ देने वाले बाला को मिली फांसी की सजा। सर,
पापा ये कब से मुझे परेशान कर रहे हैं? पापा आप मुझे मार क्यों रहे हैं? पापा बोल रहे क्यों किया तूने ऐसा? डीजीपी साहब कहते हैं कि मैं भी इस सब में शामिल हूँ। इतनी मेहनत से मैंने इतना नाम कमाया था, तूने सब बर्बाद कर दिया। सर ये ऐसे कोई जवाब नहीं देगा, आप इस पे थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट कीजिए तब ये बताएगा, और अगर तब भी ना बताए ना तो आप इसे गोली मार दीजिए। मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया पापा, मैं और कुछ नहीं जानता। नहीं पापा। सर क्या मैं 2 मिनट इससे अकेले में बात कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता पापा। देख तूने क्या किया क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तूने कितनी बड़ी गलती की ये पता है तुझे? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया पापा। बेटा इस परेशानी से तुम कैसे भी करके बाहर निकलो, बस यही चाहता हूँ। पापा मुझे कुछ नहीं पता, पापा मुझे साथ लेकर जाइए पापा। बैठो बैठो। बाप बेटा दोनों एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, तेरे बाप का भी इसमें साथ है ना? चल बोल, उन्हें भी सब पता है ना? सर सर मेरे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है सर, ये बिल्डिंग उसके दादाजी फ्रीडम फाइटर कुमार गुरु जी की है सर। कह रहे हो, वृद्धाश्रम खोलकर लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ऐसा उसने कई बार बोला था सर, इसलिए मैंने पापा से कहकर सीएम अंकल को वहाँ बुलवाया था। इसके अलावा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है सर, और वो ऐसा करेगा ये तो मुझे पता भी नहीं था सर। तो इतनी देर से मुझे क्यों नहीं बताया? मुंह में अंगूठा डाल कर रखा था क्या? डर लग रहा था सर। जी हाँ सर, ये बिल्डिंग फ्रीडम फाइटर कुमार गुरु की ही है, पोस्ट ऑफिस के लिए उन्होंने ये बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए दी हुई थी, उसके बाद पोस्ट ऑफिस को यहाँ से नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। कंप्लीट मेंटेनेंस के बिना डैमेज हुई ये बिल्डिंग, अब किस किस के नाम पे ये नहीं पता है सर। ऑफिसर ये कुमार गुरु की फैमिली की फुल डिटेल्स, यस सर, आई वांट इट ऑन माय टेबल। ओके ऑफिसर्स यहाँ ये सुनो, नॉर्थ साउथ सेंट्रल कंट्रोल रूम को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, आप ईस्ट वेस्ट को खबर कर दो, मुझे वो लोग फुल टाइम ऑनलाइन चाहिए, तुम लोग जाकर सभी इन्फॉर्मर्स को बोल दो। सीएटी टीम कम ऑन लाइन पे आइए। मिनिस्टर मनोहर जी के आने के बाद एसीपी को जल्दी में बाहर की तरफ जाते हुए देखा गया है किडनैपर की जानकारी की छानबीन करने के लिए। ये मामला किस मोड़ तक जा सकता है अभी कोई भी जानकारी नहीं सर, टाइम हो गया है, बीपी के टैबलेट्स दे दीजिए। क्यों तुम्हें ये विश्वास है कि मैं भागूंगा नहीं? डट कर सामना करोगे उसका विश्वास है। अच्छा बोलते हो, तर्क वितर्क भी अच्छी करते हो, आखिर मुझे तो बताओ कि तुम कौन हो? इतनी भी जल्दी क्या है सर, मैं कौन हूँ, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी कुंडली थोड़ी देर बाद पुलिस वाले बता देंगे। कुमार का फोटो और कुमार सामी जी का फोटो इसमें है सर। उस एटीएम पे लेके चलो। कोटूर का एक्सिस एटीएम, सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कोटूर का एसबीआई एटीएम फुटेज, एसबी रघुनाथ सिंह, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक। कोटूर ब्रांच के एटीएम के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए मुझे। देखो ये एक्सिस बैंक एटीएम कुमार सामी के घर के इस तरफ है और एसबीआई इस तरफ है। पिछले 2 सालों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब शक करने जैसा कोई मूवमेंट इस फुटेज में है क्या? 1 सेकंड, थोड़ा पीछे लो इसे, फ्रीज करो इसे, थोड़ा जूम करो इसे, अब इसके एक दिन के पहले के फुटेज पे आओ।
होल्ड ऑन, इस गाड़ी का नंबर बताओ। TN29AH5496 सर। नेक्स्ट नेक्स्ट जाओ। मतलब ये गाड़ी पिछले साल 15 दिनों तक कुमार सामी के घर के पास 27 बार घूमी। इंस्पेक्टर, कुमार का फोटो मेल किया हुआ है, प्रिंट लेकर कमिश्नर साहब को दे दो। इसे कहीं देखा है क्या? सर, यही तो है कुमार। लेकिन तब इसके इतने बाल तो नहीं थे, शायद झड़ गए होंगे। सॉरी सर। अच्छी तरह देख के बताइए, यही है ना? मैं सच कह रहा हूँ, यही कुमार है सर, मैं सच कह रहा हूँ। Nothing to worry. Just a small inquiry. Come. Mary Jeep यहाँ खड़ी है सर। Jeep पीछे आ जाएगी। Let's go. Sir. पांडे, status बताओ। Sir वो क्या? Inquiry कर रहे हो? यही कहने वाले हो ना? वही तो। उस कुमार का photograph हाथ में लगा है सर। उसी की details ले रहा था। Kidnapper का photo मिला है? तो तुरंत उसे release करो। वो सर, उसकी पक्की डिटेल्स लेकर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं, इसीलिए। डिटेल्स मिलने के बाद फिर से मीडिया को दे देना। सर, फोटो तुरंत रिलीज करो। ओके। ऑफिसर, वो फोटोग्राफ मीडिया को देकर इसने ही सीएम का किडनैप किया है, ये इन्फॉर्मेशन दे दो। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। पानी चाहिए क्या? अरे वो बात नहीं है सर, भगवान के लिए उस इंसान को रोकिए सर, मेरी बात मानिए सर। सर, अब तक जो आदमी पैदा भी नहीं हुए होंगे उसकी तस्वीर बनाकर मुझे दिखा रहा है, मैं क्या करूं सर, ये टॉर्चर कर रहा है मुझे। जरा देखिए उसे सर, वो मुझे कई घंटों से लगातार इसी तरह से घूर रहा है सर। आप इसे बाहर जाने को कहिए ना सर, प्लीज। hey, निकाल। लो आ गया। वहां सीएम किडनैप हो गए हैं और तू यहाँ क्या कर रहा है? इन चार लोगों को डील करने के लिए तूने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था। चलते यहाँ से। सर 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 सर, आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं, जान सकता हूँ क्या? होम मिनिस्टर तिलक राज का इकलौता बेटा प्रताप हूँ। hey, पहले बताना चाहिए था ना सर। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। जहाँ नहीं बोलना चाहिए था वहाँ बोल गए। बड़े घर से हो ना, इसलिए स्पेशली आपको अंदर बैठने के लिए बोला है। सीएम को किसने किडनैप किया है, ये सवाल हर एक को खाए जा रहा है। प्रशासन की तरफ से किडनैपर की एक फोटो मीडिया को दी गई है। इस फोटो में जो इंसान है उसी ने मुख्यमंत्री जी को अगवा किया है, इसका नाम कुमार बताया जा रहा है। सर, अभी हमें जो फोटो मिली थी उस लड़के का नाम कुमार है सर। सरकारी अस्पताल के एक रिकॉर्ड में ये एक साल पहले ही मर गया था, ऐसी रिपोर्ट है सर। मर गया था? मैं फिर से पूछ रहा हूं। हाँ पूछिए सर। सच में यही तुम्हारा दोस्त है क्या? इसके साथ ही दोस्ती की थी तूने? मैं फिर से बता रहा हूं सर, यही कुमार है और मैंने इसी के साथ दोस्ती की। उन लोगों को लेके आओ। ये कौन है? टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कितने पर बताकर किसी और का फोटो दिखा रहे हैं? मुख्यमंत्री को अगवा किया है। व्हाट इज दिस? यहाँ पर सर। आप लोगों से मिलने में मुझे थोड़ी देर हो गई, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कुमार ने सीएम को किडनैप करके रखा हुआ है और ये कुमार के दादाजी का बंगला है। ही इज कुमार गुरु एंड ही इज अ फ्रीडम फाइटर। कुमार सामी जो है कुमार के पापा, एक जाली नोट के केस में उन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया तो अचानक गायब हो गए। मतलब सर, लास्ट इलेक्शन में मिनिस्टर तिलक राज जी 5 वोटों से जीते थे, तब बेईमानी करके जीते थे, वो काउंटिंग गलत थी, रिकाउंटिंग करवाने के लिए केस दर्ज किया था, वही कुमार सामी ना? एग्जैक्टली, या। तो फिर कुमार सामी ने मिनिस्टर पर केस डाला तो उसके बेटे ने सीएम का किडनैप किया, इन दोनों बातों का लिंक है क्या? मे बी,
पॉसिबल बट फॉर एन इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर आज के ही दिन कुमार एक एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में मर गए थे ऐसी रिपोर्ट मिली है। हम अगर कुमार ने सीएम को किडनैप नहीं किया तो किसी भूत ने किया है क्या? स्मार्ट सवाल किया है आपने। हमें उन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली इंश्योरेंस के लिए कई लोग नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर जिंदा घूम रहे हैं। Maybe one of those guys. After further investigation, I'll be able to give you more answers. Thank you. Mr. Raghunath Singh. Sir. Minister Tilak Raj ke aur Kumar ke papa Kumar Sami ke beech pehle se ek pareshani chal rahi thi. Aapne sahi insaan ko pakad kar rakha hua hai. Congratulations. Jo karna hai karo, lekin sach ka pata lagao. Yes, sir. कमिश्नर साहब के बयान के मुताबिक किडनैपर कुमार स्वामी का बेटा बताया जा रहा है जिसकी मौत पिछले साल ही हो चुकी है। तो क्या ये किडनैपर कोई और है? Hey, क्या है ये सब? वहाँ किडनैपर को मरा हुआ डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ तुम पत्थर की तरह बैठे हुए हो। अभी आगे आगे देखिए और पता चलेगा। और क्या पता चलेगा, मैं भी देखता हूँ। सर ये तो कमाल कर दिया सर। मैं और कुमार जब साथ थे तब मैं इन्हीं से मिला था सर। ब्रदर तुम्हारा नाम कार्तिक है ना? हाँ जी। कार्तिक ठीक से देखकर बताओ। कार्तिक उस दिन मैं जब तुम्हारे गैराज में आया था तब इसी के साथ आया था ना? ठीक से देखकर बताओ ना। उस दिन मेरे गैराज में आए थे ये बात तो सच है सर, लेकिन मैंने भी राइट में पंच किया और फिर लेफ्ट में किक मारी लेकिन उसमें मेरी उंगली टूट गई। सर उस दिन मैं भी चाय लेकर आया था तो तू सिर्फ एक चाय लेकर क्यों आया? जा दूसरी चाय लेकर आ। अरे जाना क्या हो गया इसे? ये लो भाई तुम पियो, पियो ना। ऐसा लग रहा था किसी से बात कर रहे हैं लेकिन ये तो अकेले थे। अरे बाप रे सर, पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं सर, पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं सर। इन्हें छोड़ो सर, ये अच्छी तरह से जानते हैं सर। जब मैंने नशे में आकर स्ट्रीट लाइट फोड़ी थी तब इन्होंने मुझे देखा था और चिल्लाए थे मुझ पर। इनको पता है सर, पूछिए। उस रात इसे देखा था सर मैंने। ए कौन है वहाँ? राजा हूँ। इसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी, इससे पूछा कौन है तो ये छुप गया। अरे यार किन लोगों के बीच फंस गया हूं ये मैं? सही कह रहा है सर। अरे तेरी तो इसने स्ट्रीट लाइट तोड़ी थी और वो तुमने देखा। तब ये अकेला था या कोई और भी था? राजा हूं। ये अकेला था सर। सर इसका भरोसा मत करिए सर, ये झूठ बोल रहा है। इससे मरे हुए एक साल हो चुके हैं और इसके साथ तूने दोस्ती भी की और साथ में दारू भी पी, ऐसा ही है ना? तुझे मैं क्या बेवकूफ देखता हूँ? मैं भी आई, बस एक मिनट। यस, आई गॉट हिम। हेलो शोभी। यस, व्हाट अ सेंसेशनल न्यूज़। ओके मेरी बात ध्यान से सुन। मुख्यमंत्री योगेश्वर जी की किडनैपिंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री जी को अगवा करने वाला कुमार पीढ़ी दर पीढ़ी समाज सेवा करते आए कुमार स्वामी के बेटे हैं। इस बात की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। ये कुमार स्वामी वो हैं जो मौजूदा गृह मंत्री तिलक राज के, जिनका पिछले इलेक्शन में 5 वोटों से जीतना गलत है, जिसकी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, उसी केस के चलते वो गायब भी हो गए थे। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का किडनैप होना और कुमार स्वामी का गायब होना और उनके बेटे कुमार का मरना, इन तीनों के बीच कोई न कोई लिंक तो जरूर है। क्या सच है क्या झूठ कि किडनैपर कुमार है या कोई और, इस बात पे चर्चा करने के लिए और इन सभी घटनाओं पे रोशनी डालने के लिए अब हम मंत्री तिलक राज जी से फोन पे बात करेंगे। नमस्ते मिस्टर तिलक राज जी। क्या कहिए, पिछले इलेक्शन में 5 वोटों के अंतर से आप जीते थे लेकिन आप पर केस करने वाले उसी कुमार स्वामी के बेटे ने ही सीएम को किडनैप करके रखा है, ऐसी खबर हमें आई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम बात को सुनिए, आप किस चीज को किससे जोड़ रही हैं? कोई जाली नोट छापने वाला, लोकतंत्र पर भरोसा करने वाला मुझ पर केस करेगा? अब उसे ही पुलिस ढूंढ रही है ना। उनके गायब होने की वजह आप भी हो सकते हैं, हमें ऐसी खबर मिली है सर, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? तब तो ठीक है, कोई प्यार करके भाग जाए और किसी का कर्जा वापस ना चुकाए तो उसकी वजह भी मैं यही कहेंगी ना। माफी चाहती हूँ सर, तो फिर किस लिए आपके बेटे प्रताप को पुलिस ने अरेस्ट किया है सर? मेरे बेटे को किसने अरेस्ट किया, किस लिए अरेस्ट किया? आप कट कीजिए, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, बाद में फोन करूँगा मैं। सर
सर। क्यों कमिश्नर, ये क्या नया ड्रामा खेल रहे हो तुम? मेरे बेटे को क्यों अरेस्ट किया तुमने? आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है? क्या कह रहे हैं आप सर? क्या सर, बड़े घर का लड़का है, मस्ती में कोई गलती कर गया होगा तो बैठा कर रखा होगा। क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे कहे बिना कोई कैसे अरेस्ट कर सकता है? सर, इस बारे में डीजीपी रिपोर्ट देंगे तो ठीक रहेगा ना? घटिया मजाक बंद करो। ए, अगर सीएम साहब को कुछ हो गया तो अगला सीएम मैं हूँ, पता है ना? पता है कि नहीं? उस दिन उतरूंगा तुम्हारी मैं यूनिफॉर्म। अच्छा, मेरी यूनिफॉर्म उतरवाएगा, तेरी चड्डी तो मैं उतरूंगा। सर सर प्लीज सर छोड़ दीजिए ना सर, सर प्लीज सर, सर छोड़ दीजिए ना प्लीज सर। कुमार स्वामी कहाँ है सर, और उसका क्या किया? नहीं 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 पता सर, नहीं पता। सर 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 प्लीज सर, मुझे नहीं पता सर, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सर, सर सर सर। कुमार स्वामी कहाँ है और उसका क्या किया? नहीं पता सर। देख, वो आम इंसान है इसलिए बैठा के रखा है, तो बड़े घर का है, तुझे लिटा ही दूंगा। सर नहीं पता सर। ए, क्या देख रहे हो, कपड़े उतारो इसके। सर सर मैं बताता हूँ सर, मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ सर। बोलिए मिस्टर रघुनाथ सिंह। होम मिनिस्टर, उसका बेटा प्रताप और किशोर। नीचे उधर, यही गेस्ट हाउस है ना? हाँ जी सर। ए, गेट खोलो। अरे सुरेश मनीष जगह सारे लोग जल्दी आओ। बोल कहाँ पर बता, कहाँ पर? उस पेड़ के पास। लो भाई कुमार स्वामी, क्या ये अच्छी बात है? हाँ, ये न्याय और ईमानदारी को मरे कितने साल हो चुके हैं? मरा नहीं है और ना ही मरेगा। तुम लोग उसे मारने की सालों से कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं मरेगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम भी कुमार स्वामी, एक ही बात बार बार बोली जा रहे हो। इलेक्शन जीतने के लिए मैंने 30 करोड़ का खर्चा किया, मुझे हराने वाले प्रमोद ने खुद को जिताने के लिए 30 करोड़ का खर्चा किया, पर कहीं तो हिसाब में गड़बड़ी हो गई तो 5 धोखेबाज लोगों ने वोट बदल के मुझे हराने की कोशिश की। उसे समझाया, प्रमोद को बुलाकर 30+5 35 सेटल करके उन 5 वोटों से मैं जीत गया। मेरे जीतने से तुम्हें क्या परेशानी? तुमने कितने करोड़ रुपए खर्च किए, किसे दिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रमोद जीते हैं ये सच है, और तुम हारे हो ये भी सच है, इसीलिए मैंने रिकाउंटिंग केस डाला है। ऐसे बांध कर धमकी दोगे तो क्या मैं डर जाऊंगा? एक बात बताओ प्रताप, इस पर हमारे लोगों ने जाली नोट का केस ठोका था ना? हाँ पापा, हम कहेंगे तो पुलिस इसे अंदर कर देगी। उसके बावजूद ये चुप तो बैठेगा नहीं। ठीक है, जिन 5 वोटों से मैं जीता हूँ, 1 वोट का 1 करोड़, तो 5 करोड़ मैं तुम्हें देता हूँ। तुम रिकाउंटिंग केस वापस ले लो, और तुम्हारे ऊपर जो जाली नोट का केस लगाया वो हम वापस ले लेंगे। तो बोलो क्या ये डील ओके है? मैंने जो देखा वो सच है, और तुम्हारा हारना भी सच है। मैं केस क्यों वापस लूं? जनता को भी तो सच का पता चले। इससे क्या बेकार में बात कर रहे हैं पापा आप? इसे शूट करते हैं तो सिर्फ 1 ही गोली खर्च होगी और आपके 5 करोड़ बचेंगे, और वो सब छोड़कर बेकार की बात कर रहे हैं। ए, छोड़ ना, ये बहुत बड़े अहिंसावादी है, इन्हें तलवार से काटना या गोली मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो, ये खुद ही मर जाएगा, हमारा खून करना भी बच जाएगा। उठाओ इसे। देख क्या रहे हो, मिट्टी भरो, थोड़ी देर में सच्चाई दफन हो जाएगी। प्रेस के लिए बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि यही थे फ्रीडम फाइटर कुमार गुरु के बेटे कुमार स्वामी। अभी मिली हुई ताज़ा खबर के अनुसार मंत्री जी तिलकराज के फार्म हाउस पर
एक कंकाल बरामद हुआ है। अरेस्ट किए गए तिलकराज जी के बेटे प्रताप ने पुलिस की पूछताछ में ये जानकारी दी है। तब असिस्टेंट कमिश्नर रघुनाथ सिंह ने मीडिया के साथ मिलकर मंत्री जी के फार्म हाउस पर जाकर छानबीन की। वहां इंसान का कंकाल मिला। इस बात से सभी को बड़ा झटका लगा है। आखिर ये कंकाल किसका है? कितने क्यों सर? या कितने महीनों से वहां पर? कुर्सी और अधिकार मिल जाए तो खून भी कर सकते हैं क्या? हमें सहारा दोगे उसी भरोसे पर तो हम कुर्सी पर बिठाते हैं। गलती करके उसी कुर्सी का सहारा लेकर खुद को बचाने के लिए नहीं। बहुत दुख होता है सर। मेरी बात सुनो, कोई एक राजनेता गलती करता है तो सभी राजनेता गलत होंगे ऐसा नहीं है। उनको दूसरों से नहीं जोड़ना चाहिए। वो अधिकार किसने दिए सर? आपने ही ना, तो फिर उन्हें आपसे क्यों नहीं जोड़ सकते? लाखों लोगों के ऊपर एक एमएलए है, करोड़ लोगों के ऊपर एक एमपी है, इतने लोगों से ऊपर सिर्फ एक सीएम होता है। एक सीएम इतने लोगों को कैसे देख सकता होगा सर? इसीलिए तो आपको बिठाया है यहाँ। वरना कुमार स्वामी, कुमार की तरह अच्छे लोग हमारे देश से खत्म होते जाएंगे। कहना क्या चाहते हो? क्या कुमार को भी इन्होंने ही मारा है? कुमार स्वामी को आपके मिनिस्टर ने मारा है, और कुमार को मारा है मैंने। मेरा कोई नहीं है, लेकिन अनाथ नहीं कहूंगा। उस समय के हालात में मेरे माँ बाप इंद्रधनुष संग्रह में मुझे छोड़कर चले गए थे। उस जगह ने मुझे सब कुछ दिया। वहीं से मैंने जर्नलिज्म डिस्टिंक्शन में पास किया। Welcome to News 7. First interview में ही मुझे जॉब मिल गई। वो एक नई दुनिया थी। Access card. वहाँ के लोगों से मेरी अच्छी पहचान हो गई। Hello. Hi. वहाँ एक लड़की मिली जो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। इस तरह मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। ए, कैसे हो तुम लोग? बहुत दिनों बाद। जिस आश्रम ने मुझे सब कुछ दिया था, एक दिन मैं वहां मिलने चला गया। मास्टर जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी आंखें क्यों नम है? कुछ नहीं मास्टर जी, ये लीजिए। ये सब क्या है बेटा? थोड़े कपड़े और कुछ पैसे हैं मास्टर जी, जितना मुझसे हुआ। अरे अभी तो नौकरी पे लगे हो, अभी कमाना शुरू किया है, ये तुम्हारे काम आएगा। तुम रख। नहीं नहीं, आप रखिए। जब तुम बड़े आदमी बनोगे और बहुत सा पैसा कमाओगे, तो जिस तरह आज तुम्हें स्पॉन्सर किया है, उसी तरह तुम भी 10-20 लोगों को स्पॉन्सर करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और खुशी भी होगी। क्या कहा? मेरे कोई स्पॉन्सर भी है? वो है मास्टर जी, कहिए ना, मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया था? वो बात यह है कि मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, मुझे मना किया गया। मेरा कोई स्पॉन्सर है ये बात पता नहीं होती तो भी कोई बात नहीं थी मास्टर जी, लेकिन जानने के बाद मैं उनसे खुद ही मिलकर आज मैं खुश हूँ तो उनका धन्यवाद तो करना ही होगा ना, वरना उनकी दी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मास्टर जी बताइए ना, प्लीज प्लीज बताइए ना, कौन है वो? मास्टर जी बताइए ना प्लीज। तुम बड़े जरूर हो गए हो, लेकिन जिद करने की आदत बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। वो कौन है मैं बताता हूँ, पर तुम्हारी वजह से उन्हें परेशानी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। बॉस, कुमार स्वामी जी का घर? नहीं बता भाई, रुक, यही है वो वाला। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, कौन? कुमार स्वामी सर हैं क्या? पापा, मेरे पापा बाहर गए हुए, आ जाएंगे, बैठिए, बाहर गए हुए आ जाएंगे। पापा बाहर गए हुए आ जाएंगे, अब बैठिए। ठीक है। ज्यादा टाइम लग जाएगा क्या? बहुत दिन हो गए हैं, इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आ जाएंगे। हाँ, बोल कर गए थे आ जाएंगे, बोल कर गए थे आ जाएंगे। आप इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। क्यों कुमार भाई, काम खत्म हो गया? वाह, रख दिया भाई। मैं इसे देकर आता हूँ, दोपहर को खाना लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ।
सर। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं यही रहूंगा, आप आओ। ठीक है, आता हूँ। आना? हाँ ठीक है, मैं यही रहूंगा। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। आ जाना। ओके ओके। हेलो ब्रदर, ब्रदर कुमार स्वामी जी का घर यही है ना? हाँ जी सर, यही उनका घर है। अभी वो कहाँ है? उन्हें लापता हुए कई दिन हो गए हैं सर, उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। वो उनके बेटे कह रहे हैं कि पापा भी आ जाएंगे। उनका दिमाग बच्चे जैसा है सर, थोड़े दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो हम जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं सर। जब उनको बताया कि उनके पापा लापता हैं तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो कुमार स्वामी जी का क्या हुआ, कुछ नहीं पता? पता नहीं सर, काफी दिनों पहले उनका किसी मिनिस्टर के साथ झगड़ा हो गया था सर, उसके बाद जाली नोट छापे और यहाँ से कहीं भाग गए, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ सर। हाँ ठीक है, संभल के जाना। जब मैंने छानबीन की तो मुझे कुमार स्वामी जी के बारे में काफी कुछ पता चला। कुमार। अरे आ गए आप, पापा आ जाएंगे, इंतजार कीजिए, पापा आ जाएंगे। वो बात नहीं है कुमार, पापा नहीं आएंगे। पापा आएंगे, उस दिन कहकर गए थे ना, आएंगे। पापा कहके गए थे, वो आएंगे। कुमार, पापा को आना है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी होगी। पुलिस स्टेशन में? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। पुलिस स्टेशन तो चल सकते, पुलिस स्टेशन तो चल सकते। ठीक है चलो, पुलिस स्टेशन तो चल सकते, मैंने इससे पहले देखा ही नहीं। कुमार ये देखो, जब इंस्पेक्टर पूछे तो ठीक से बताना होगा, समझे? कि बहुत दिन हो गए हैं, पापा लापता है, मिनिस्टर ही इसकी वजह है। ठीक है, कह दोगे ना कुमार? कह दोगे? सॉरी सर। रुको, सॉरी सर, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? इन्हें एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है सर। ये कौन है? भाई है सर। कौन है ये? शेर, पता नहीं। ये पता नहीं कह रहा, तुम भाई कह रहे हो, जाओ जाकर बैठो। सर मुझे उसके साथ जाना होगा, बेचारा कुछ जानता नहीं है सर। उसे जाने दो, हम सब देख लेंगे। कंप्लेंट उसे दो, इसे लो। कुमार इंस्पेक्टर साहब को जरूर देना, ठीक है ना? तुम यहाँ बैठो, हम सब देख लेंगे, चलो। हेलो, बैठो। इंस्पेक्टर साहब अंदर ही है, जाकर मिल लो, जाओ। हेलो, कौन है? इसे देने को बोला, पता नहीं। पापा के लिए देने को बोला है। मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है, जाओ जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ। मुझे इस बात का शक है कि गृह मंत्री तिलक राज ने किसी का खून किया है, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी इस शिकायत पे फौरन छानबीन की जाए। कुमार स्वामी को मारने के बाद इस पागल को भी मार दो कहा था, लेकिन आप नहीं माने। हाँ बेटा, गलती के बाद कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। ए पुलिस वाले, उसने कंप्लेंट की तो क्या तुम वो कंप्लेंट लोगे? मैंने कहा ली, आपके पास ले आया ना। पुलिस स्टेशन पर आकर कंप्लेंट करने भर की अकल आ गई है उसमें, चार लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। मरने के बाद उसे कुछ समझ आया होगा क्या? ए उस रोड के एंड पर घुमाना, बस पहुँच गए हम। स्कूल बस में बैठना मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिन हो गए ना, बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। अरे भाई खड़े होके जाना है, होके जाना है भाई। जो पहचान दी थी वैसी एक बॉडी है जो ट्रक के नीचे आकर मर गई थी। तुम ठीक से टाइम पर आ रहे हो, वरना हम अनाथ बॉडी को जला देते हैं, लेकिन इसका चेहरा ही नहीं है तो हम भी उसे पहचान नहीं पाए। देख लो, तुम देखो पहचान सको तो, उसके बाद हमें कुछ खाने पीने का देना साहब, हम बहुत यहाँ काम करते तो कुछ दे के जाना ना। सोचा था मैं ढूंढ कर लाऊंगा,
लेकिन मैंने ही कुमार को भी मरवा दिया। और कितने दिन ऐसे रहोगे? मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुमार का मरना हम लोगों की जानकारी से परे था। अगर वही बात सोचते रहोगे तो आगे क्या करना है वो कैसे सोचोगे? हमारी जानकारी से परे होता तो किस्मत पर छोड़ देता, लेकिन कुमार की मौत का कारण मैं खुद ही हूं, इसलिए मन बहुत परेशान है। कल कुमार समीचे और आज कुमार, कल कोई और होगा। बचाने वाले लोगों को ही खाने लगे हैं, इसे बदलना ही होगा। कैसे? सीएम को मिलने का मुझे अकेले में मौका मिल जाए तो बस। सीएम से तुम्हें अकेले में बात करनी है, बस इतना ही ना? वो मैं करवा सकती हूँ। लिसन, आई एम सीरियस। भरोसा नहीं हो रहा? मिनिस्टर मनोहर जी का लड़का बाला मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसकी हेल्प लेकर सीएम से मिलने की कोशिश करती हूँ, वो जरूर हेल्प करेगा। ए, मैं कोशिश करूंगी, कहा ना। सीएम भी चाहे कि हमें न्याय मिलना चाहिए तो अभी मौजूदा सिस्टम वो करने नहीं देगा। मैं समझी नहीं। मैं बताता हूँ, बाला owns this place. Oh, okay. यही हाँ, इसके साथ मुझे ये सब दे। Hi, बाला. Hey. How are you? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ. मैंने बताया था ना, यही है। Hello, brother. Hello, कैसे हो तुम? आजा अंदर. Sit. ये लो, brother. तुमने कहा था कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बाला, दरअसल इन्हें सीएम से अकेले में बात करनी है। ब्रदर, इजीली मिल सकते हैं ब्रदर। मेरे पापा कैबिनेट में ही हैं। पापा से कहकर मैं पर्सनल अपॉइंटमेंट करवा लूंगा। स्मॉल मैटर है ब्रदर। वो ना बाला, क्या है ना, सीएम से मिलना है, यही बात है ना। सीएम से मिलना नहीं है ब्रदर, सीएम को उठाना है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे इमोशंस सब न्यायपूर्ण है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह सब अपने अपने लिए ऐसे ही किडनैपिंग करने लगे तो तुम एक गलत उदाहरण बन जाओगे ना। नहीं सर, हमेशा लीडर कभी गलत उदाहरण नहीं बनने चाहिए। तिलक राज कौन है, उसका असली रूप लोगों के सामने कैसे आएगा? मैंने तो सीधा रास्ता चुना था, लेकिन उसमें मैं हार गया। मैंने तो उसका खून करने का भी सोचा था, लेकिन तब वो अमर बन जाता और मैं खूनी बन जाता। किसी को भी सच का पता नहीं चल पाता सर। लोगों के सामने किसी भी तरह ये सच आ जाए, मैंने ये सोचा था, इसलिए आपकी मुझे जरूरत पड़ी। अब वो कौन है ये सच सभी को पता चल गया है। कुमार स्वामी जी के माथे पर लगा कलंक भी मिट गया। ये सब देखकर कोई एक भी अगर कुमार स्वामी जी की तरह जीने की चाह रखेगा ना सर, तो भी मेरे लिए बहुत है। वो प्रॉब्लम नहीं है। तिलक राज ने जो जुर्म किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, वो बच नहीं सकता। लेकिन ये जाल तुमने उसके लिए बिछाया था, ये बात तो बस मैं ही जानता हूं। बाहर खड़ी पुलिस तो नहीं जानती है, किसी भी समय पुलिस वाले आएंगे और मुझे बचा ले जाएंगे और बेकार में तुम्हें गोली मार देंगे, तब तुम क्या करोगे? गृह मंत्री तिलक राज जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली नोट छापने का झूठा कलंक लगाकर समाज सेवक कुमार स्वामी का कत्ल करके उन्हें अपने फार्म हाउस पर गाड़ देने के जुर्म में और कुमार स्वामी के बेटे कुमार का एक्सीडेंट करवाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी ने कहा है कि उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाएगी। इस बात ने लोगों को और राजनेताओं को चौंका कर रख दिया है। प्रशासन ने ये वादा किया है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कुमार, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, लोगों को भूल गया हूं कहा। मैंने सोच कर देखा अपनी पार्टी को कैसे संभालना है, विपक्ष के लोगों को कैसे हैंडल करना है, इसी में काफी टाइम बर्बाद कर दिया। वोट देने वाली जनता को मैंने सिर्फ इंतजार कराया, लेकिन उनका और हमारा एक रिश्ता है, वो हमें अपना मानते, ये तुमने मुझे समझाया।
थैंक्स। अरे सर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। पहले आपको मुझे माफ करना होगा। एक अच्छाई के लिए आवाज लगाने वाला जर्नलिस्ट होता है, और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर भी गुहार लगाने वाला एक जर्नलिस्ट ही होता है। मैंने जर्नलिस्ट होकर बस अपना काम ही किया है सर। उसी तरह आपकी वजह से कुमार स्वामी जी को न्याय मिलने में मदद भी मिली है। ये मेरी किस्मत है। तो अपने मिशन में जो सोचा था वो कर दिखाया, अब मुझे क्या करना है? मिस्टर कमिश्नर, अगले 5 मिनट में सीएम साहब बाहर आ जाएंगे। कुमार, लोगों के लिए तो बहुत सारी मांगे की, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? हम सभी को रास्ता दिखाने के लिए एक अच्छा लीडर चाहिए सर। मैं अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया हूं। मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे किडनैप करने वाले का चेहरा मैं नहीं देख पाया। एंड मोर ओवर, इस गवर्नमेंट की गलतियों को ही सिर्फ मत देखो, बल्कि जनता के लिए की गई अच्छाइयों को भी देखो। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। सर, रिलैक्स। क्या मिस्टर रघुनाथ सिंह बिल्डिंग के अंदर गए थे, यहाँ से आ रहे हो? सर, इस पोस्ट बॉक्स और उस बिल्डिंग के अंदर जो बंकर है उसका अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है सर। फ्रीडम फाइटर की पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए अंडरग्राउंड में काफी कुछ बना हुआ है सर। हम इस एरिया के आसपास के चेक पॉइंट्स और डॉग स्क्वाड के हेल्प से उसे पकड़ सकते हैं सर। कम ऑन सर, लेट्स डू इट फास्ट सर, लेट्स गो सर। पकड़ कर आप क्या करेंगे मिस्टर रघुनाथ सिंह? ऐसा क्यों कह रहे हो सर? वो अच्छा इंसान है। अच्छा ही तो किया है। वाह, भगवान के आशीर्वाद से, कुमार स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने जो सोचा वो ठीक ठीक हो गया। बस एक बात है, अपना बाला बेचारा उस पुलिस वाले के चंगुल में फंस गया था। छोड़ो ना यार, तुम्हारी दी ट्रेनिंग वहां बेकार हो गई थी। तो फिर? अरे तुम जानते नहीं वो कमिश्नर कितना डेंजर लगता है यार। इतना टाइम में उसके साथ था, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरता रहता है, मुझे डर लगता था यार। ये तो अच्छा हुआ ब्रो कि बचपन में मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी। मेरे पास बस एक ही चीज है, मेरा प्यार। लेकिन मेरे पास तो बस एक ही चीज है, मेरा प्यार। ये दुनिया दिलवालों की। वो जो काली सलवार में आ रही है वही है ना? सही कहा दोस्त, वही है। वो व्हाइट चूड़ीदार जो आ रही है ना, वही। ग्रेट ब्रो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ब्रो।